अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके लिए नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है मैं किसी और का हूँ फिलहाल, और इसकी राइटर हैं ताबीर राइट्स। इस नावल को आप शुरू करते हैं। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कहानी मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल का सब्सक्राइब लाजमी किया करें। जो नए चैनल पर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी वीडियो को जब सुना करें तो लाइक लाजमी कर दिया करें। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। गर्मा गर्म भाप उड़ते चाय का मग लिए वो बड़े से लॉन में खुशगवार मूड के साथ खड़ी फूलों का जायज़ा ले रही थी। जनवरी का महीना था, सर्दी की मुनासिबत से उसने स्याह शाल ओढ़ा हुआ था। ठंडी हवा का कोई आवारा झोंका आता तो उसके शोल्डर पर झूलते सिल्की ब्राउन बाल हवा में इधर उधर उड़ते और अरमीना फारूकी सबसे बेनियाज फूलों को तकती जाती और कुदरत के हसीन तख्लीक को दिल ही दिल में सराहती थी। उससे फूलों से बहुत लगाव था। तभी उसकी सोचों का महवर जाने पहचाने हारन की आवाज़ से टूट गया। जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला, बड़ी सी स्याह गाड़ी अंदर आती दिखाई दी, जिसको देखकर अरमीना का अच्छा खासा मूड खराब हो गया था। गाड़ी से दो फर्द उतरे, जिनमें एक था दाऊद फारूकी, लंबे कद के साथ थ्री पीस स्याह सूट में मलबूस नक्शक्सा से तैयार, शहाना चाल चलता हुआ उसी के तरफ आ रहा था। दुनिया के नज़र में वो मिस्टर परफेक्ट था, पर अरमीना की नज़र में खड़ूस, मगरूर, खुद पसंद और जाने क्या क्या था। दूसरी तरफ वकास अजीज विक्की, जो कि दाऊद का ही हम उम्र था, नीली जीन्स सफ़ेद शर्ट के साथ स्याह लेदर की जैकेट पहने मेहरबान मुस्कराहट के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। माना कि वकास दाऊद जितना हैंडसम नहीं था, पर अरमीना को दाऊद की बनिस्बत वकास सही लगता था, क्योंकि वो दाऊद जैसा रोड नहीं था। वकास वैसे तो बहुत वजीहा था, बहुत से लोगों से मुनफरिद, पर जैसे ही दाऊद के सामने खड़ा होता, दाऊद की शख्सियत के सामने फीका लगता। ये भी अरमीना का ही नुक्ता नज़र था। हज़ार नफरत बेजारी ही सही, पर उन सब के बावजूद अरमीना इस बात से इतफाक करती थी कि दाऊद एक सहर अंगेज शख्सियत का मालिक है, और दिल ही दिल में सोचती थी अगर मुझे इससे नफरत ना होती तो ज़रूर मैं इसी से ही मोहब्बत करती। अरमीना भी उस शेर के म्यार पर पूरा उतरती थी, नफरत हो तो मोहब्बत हद हो, मोहब्बत हो तो बेपना, कोई भी काम कम करना हमें हरगिज़ नहीं आता। कैसी हो मीना? वकास ने अपनी महसूस मुस्कराहट के साथ पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इतने दिनों बाद आए हो। अरमीना ने भी वकास का हाल पूछा। वकास ने भी मुंह खोला ही था बात करने के लिए कि दाऊद की रोबदार आवाज़ आई। विक्की जल्दी करो, वकील साहब आते ही होंगे। दाऊद ने एक नज़र अरमीना को देखकर वकास को कहा और अंदर की जानिब चला गया, जबकि अरमीना को उस एक नज़र में हकारत, नफरत, बेजारी, जाने क्या क्या नज़र आया। अरमीना ने अपने हाथ सारा चेहरा साफ किया, जैसे दाऊद की नफरत भरी नज़रों का असर जायल करना चाहती हो। वकास भी दाऊद के पीछे अंदर चला गया। अरमीना का अच्छा खासा मूड ख़राब हो गया था। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना फूल पौधे, ना मौसम, ना सर्दी, वरना वो सर्दियों की दीवानी थी, उसे सर्दियाँ बहुत पसंद थी। चलो मीना बेटा, अपना बिस्तर गोल करो, बोरियां बिस्तर बांध तो लूं, पर जाऊं कहां? उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। खुद से सवाल करके उसे उसी अजम के साथ खुद ही जवाब दिया। अपने कमरे में आकर कुछ देर दादा की तस्वीर से बातें करती रही, फिर खिड़की के जानिब खड़ी होगी। कुछ देर ना गुजरी थी कि दाऊद के दोनों फूफो आती हुई दिखाई दी। वो समझ गई कि दाऊद ने इनको बुलाया है, और तभी उसे वकील साहब भी दिखाई दिए और उनका चेहरा अच्छे से पहचानती थी। दादा के आखिरी वक्त में दादा ने उन्हें दो तीन बार बुलाया था। दादा को याद करके उसकी आंखें नम हुई। खिड़की बंद करके अपना सामान पैक करने लगी। उसे बहुत नींद आ रही थी। बाहर तो अब उस हिटलर की वजह से निकलना नहीं था, इसलिए सोने के लिए लेट गई। अभी उसकी आंख लगे 10 मिनट भी मुश्किल से गुजरे थे कि शोर की आवाज़ से उसकी नींद ख़राब हो गई। ये नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल भी इस वसीयत से मुत्तफिक नहीं हूँ। दादा जान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
दाऊद मेज पर जोर से हाथ मारकर खड़ा हुआ। वकील साहब परेशान होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। उनकी वसीयत के मुताबिक अरमीना इस घर में आपके साथ बराबर के हिस्सेदार हैं। वकील साहब ने वजाहत की, कौन सा हिस्सा, कहाँ का हिस्सा? मैं इकलौता वारिस हूँ इस सारी जायदाद का। मैं इतने बड़े घर का, इतने बड़े बिजनेस का वाहिद हकदार हूँ। मैं कैसे इस 2 टके की लड़की को इतने बड़े घर में हिस्सा दे दूँ? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये मेरे बाप दादा का घर है। दाऊद ने गुस्से से कहा तो अरमीना कमरे से बाहर निकली। इसकी आवाज़ सुनकर न जाने अब कौन सी क्यामत आ गई है कि ये दिन भर फिर फट पड़ा। एक तो इस शख्स को जरा सुकून नहीं, अच्छी खासी नींद खराब कर दी। बदतमीज लड़का। अरमीना ने दरवाजे से सर निकालकर लॉन्च में जाकर जहां पर भपरा हुआ शेर बना बैठा था, पिछले 15 साल से मैं इस लड़की को अपने घर में सिर्फ दादा जान की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, वरना इस लड़की ने जितनी जहनी अजियत मुझे देनी थी दे दी। अब जबकि इस घर से दफा होने का वक्त आ गया है तो मेरे ही घर में हिस्सेदार बन गई, वो भी बराबर की। ऊंची आवाज में बोल रहा था और सुनकर मीना का मुंह खुला का खुला रह गया। हैं, क्या बोल रहा है ये जिन? मैं इस घर में बराबर की हिस्सेदार। दादाजी, यू आर ग्रेट। इस दुनिया से जाने के बाद भी आपने अपना साया मेरे सर पर सलामत ही रखा, वरना तो ये शख्स मुझे अभी की अभी निकाल दे घर से। मुझे अभी की अभी निकाल दे घर इसे। मैं तो अपना सामान बांधे बैठी थी और सोच रही थी कि अब कहाँ जा मरूंगी। अरमीना के दिल में लड्डू फूटने लगे, इसकी आंखों में चमक सी आ गई। दाऊद की बात सुनकर अचानक ही दाऊद की नज़र इस पर पड़ी जो खुले दरवाजे से इसकी जासूसी कर रही थी। इसकी खूनख्वार नज़रों से देखकर अरमीना ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। अरमीना अरमीना, मैं कहता हूँ बाहर आओ कमरे से, वो गुस्से से दहाड़ा। अरमीना फौरन बोतल के जिन की तरह हाजिर होगी। इसके सामने पीठ पीछे चाहे कितना ही इसे बुरा भला कहे, लेकिन सामने वो इसे डरती थी। ज़रूर तुमने दादा जान से फरमाइश की होगी कि तुम्हें इस घर में हिस्सा दें। मैं फूटी कौड़ी भी अपने पैसे से तुम्हें नहीं दूंगा। अभी की अभी सामान बाहर निकल निकल बाहर सामान लो और बाहर निकल जाओ मेरे घर से। दाऊद से कहा तो वो हैरान दाऊद ने जैसे कहा तो वो हैरान हो गई। कहाँ जाएगी बिन माँ बाप की बच्ची? दाऊद, तुम भी तो सोचो ज़रा, हमारे अलावा इसका दुनिया में है ही कौन? हलीमा खाला ने अरमीना की साइड लेते हुए कहा, रिश्ते में तो हम भी इसके कुछ नहीं लगते खाला जान। ख्वामखा में पिछले 15 साल से हमारे सरों पर अजाब की सूरत नाजिल हुई बैठी है। जब से इसने इस घर में कदम रखा है तब से नहुसत फैली हुई है जो जाने का नाम ही नहीं लेती। दाऊद ने गुस्से से कहा, खाला जान अब कुछ सोच में जवान जहान खाला जान अब कुछ सोचे मैं जवान जहान लड़की कहाँ जाऊंगी इतनी बारिश में? अरमीना ने रोने की अदाकारी करते हुए कहा। लेकिन बाहर बारिश तो नहीं हो रही है, वकास ने खिड़की का पर्दा सरकाते हुए कहा। वो तो मैंने ऐसे ही डायलॉग बोला, बेख्याली में अरमीना के मुंह से निकल गया तो दाऊद सर पकड़कर बैठ गया। अरमीना ने अपना निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। इसलिए कहता हूँ इतने ड्रामे मत देखा करो, ड्रामे देख देख कर ड्रामा क्वीन समझ बैठी है खुद को। दाऊद ने हल्की आवाज में चबा जाने के अंदाज में उससे कहा ताकि वकील साहब ना सुन ले। अरमीना मासूम शक्ल बनाई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको टुकड़ टुकड़ देख रही थी, पर उसका दिल खुशी से उछल रहा था कि दादा जान ने उसे इस घर में बराबर का हिस्सेदार बनाया है। वकील साहब वसीयत सुनाकर चले गए, पर दाऊद का गुस्सा काबू नहीं आ रहा था। हलीमा खाला ने अरमीना को इशारा किया कि अंदर जाने का, तो अरमीना की जान में जान आई। उसे डर था कि ये खड़ूस कहीं उसे कच्चा ना चबा जाए। अंदर आकर मीना ने अपना कमरा लॉक कर दिया और दरवाजे से लगकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तेरा शुक्र है मौला, आज तो बाल बाल बच गई। एक तो मेरी जुबान मरवाएगी एक दिन मुझे। वैसे सोचने की बात तो है, आखिर दादा जान ने मुझे बराबर का हिस्सेदार बनाकर अपने इकलौते पोते की मदे मुकाबले क्यों ला खड़ा किया, जबकि मैं इनकी कुछ लगती भी नहीं सिवाय दूर दराज की रिश्तेदार के अलावा। वो सोचने के अंदाज में आकर बेड पर बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो दाऊद का सोचकर उसके पैर लरजने लगे। काफी देर दरवाजा बजता रहा पर अरमीना ढीठ बनी बैठी रही। इसकी यही जटाई ही तो दाऊद को जहर लगती थी। दरवाजा खोला, अरमीना मैं हूँ वकास।
वकास की आवाज सुनकर उसकी जान में जान आई। एकदम से दरवाजा खोला, वकास अंदर आया तो दरवाजे से सर बाहर निकालकर इर्द गिर्द का जायजा लिया और फौरन दरवाजा बंद कर दिया। वकास को देखा तो वो हंस रहा था। तुम्हारी बतीसी क्यों बाहर है, इधर मेरी जान पर बनी है। मसनू पसीना साफ करके फिर बेड पर बैठ गई। मुबारक हो भाई, अब तो लिफ्ट नहीं मिलेगी बड़े मुबारक हो भाई अब तो लिफ्ट नहीं मिलेगी बड़े लोग जो हो गई हैं अब मिस अरमीना फारूकी। अच्छा ज़रा बताना पसंद करेंगे आप मिस्टर वकास काजिम कि मैं किस हिसाब से बड़े लोग में शुमार हो गई। अरमीना ने बेजारी से पूछा, क्या तुम्हें नहीं मालूम मीना कि ये बंगला करोड़ों की मलकियत का है और तुम इसमें दाऊद के साथ बराबर की हिस्सेदार हो। वकास ने बेड साइड से चिप्स का पैकेट उठाते हुए कहा, इस अमीरी से अच्छा है मैं गरीब ही रहूं, वापस करो मेरा चिप्स। वकास के हाथ से चिप्स का पैकेट वापस से झपट कर कहा, कम खाओ मोटी होती जा रही हो, कोई भी शादी करेगा तुमसे। वकास ने इसकी कमज़ोरी पकड़ ली, कोई मोटी वोटी नहीं हो रही हूँ मैं, तुम जलते हो मेरी स्मार्टनेस से, और वैसे भी तुम बेफिक्र रहो कम से कम तुमसे शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। एक अदा से अपने बालों को हाथ से पीछे झड़कते हुए कहा, तुम्हारी इस दो गज़ की ज़ुबान हूड़पन और नलायकी से तो मुझे यही लगता है कि अम्मी अम्मी तुम्हें मेरे गले बांध देंगी। ये बात तुम लिख लो, मैं भी अपनी डायरी में अच्छे से लिख लूँ, और ये खुशफहमी अपने दिल से बाहर करो, मैं कम से कम तुमसे शादी हरगिज़ नहीं करूँगी भाई, जैसे हो तुम मेरे समझे। अरमीना ने उंगली उठाकर वार्न किया था, शादी से पहले हर कोई भाई होता है बाद में साईं। ऐसा बोलकर अपनी जान बचाने की खातिर दरवाज़ा खोलकर वकास बाहर की तरफ भागा। विक्की के बच्चे तो शादी के बाद होंगे। अरमीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बदतमीज अरमीना बड़बड़ा कर रहेगी, वरना और कोई वक्त होता तो इसके पीछे भागती, पर आज बादल गरज रहे थे। जब तक मतला साफ नहीं हो जाता था उसका बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वापस बेड पर बैठकर चिप्स खाने लगी। वकास दाऊद का खालाजाद था, दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी। अरमीना की वकास से बहुत बनती थी, हलीमा खाला वकास की अम्मी थी। अरमीना ने जब से होश संभाला हलीमा खाला ने ही माँ की तरह इसकी परवरिश की। उनकी कोई बेटी नहीं थी इसलिए अरमीना को बेटी बनाकर पाला। हलीमा खाला बेवा थी और उनका बस एक ही बेटा था वकास। दादा हलीमा खाला को अपने घर लेकर आए थे ताकि वो दाऊद और अरमीना की परवरिश कर सके। दाऊद के वालिद ने कार हादसे में फौत हो गए थे और दाऊद की दोनों भूपियाँ अपने अपने घरों में खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रही थी अपने बच्चों के साथ, इसलिए दादा ने हलीमा खाला का इंतखाब किया। इस तरह हलीमा खाला को भी सर छुपाने की जगह मिल गई। वकास का सारा खर्चा भी दादा ही उठाते थे। हलीमा बहुत नेक तबीयत की खातून थी, जो मिला जैसा मिला हर चीज़ में सब्र शुक्र करती थी। एक घर में रहते हुए वकास और दाऊद की बचपन से दोस्ती थी, जबकि दाऊद अरमीना से बहुत नफरत करता था। वकास ही था जो अरमीना का ख्याल रखता था और दोनों के बीच दोस्ती करवाने की बहुत कोशिश की, पर बचपन का नफरत परवान चढ़ता चढ़ता जवानी की दहलीज पर जा पहुंचा। ये नफरतें क्या रंग लाने वाली थी, ये सब इस बात से अनजान थे। दाऊद सुबह सवेरे उठकर जॉगिंग करने लॉन में चला आया। ये बहुत बड़ा लोन था। सुबह सवेरे उठकर जॉगिंग करना दाऊद की रूटीन में शामिल था। इस दौरान वो खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करता था। सरसब्ज और पौधे आंखों को खेजा करते तो वहाँ चिड़ियों की चहचहाट कानों को भरी लगती। अपने सारे दिन की रूटीन में सुबह का ये वक़्त उसका पसंदीदा था, जब वो जॉगिंग से रिलैक्स होकर लॉन में बैठता और वहीं पर चाय नाश्ता करता था। फिर तो ऑफिस के ना ख़त्म होने वाले कामों का बोझ जिसके अकेले सर पर होता। इतना बड़ा बिजनेस से संभाला था। दादा ने वकास को भी दाऊद के साथ ऑफिस जाने का कहा था, तब दाऊद काफ़ी रिलैक्स हुआ। उसे वकास पर बहुत भरोसा था, वकास इसका दायां हाथ था। दाऊद को वकास पर बहुत भरोसा था और वकास ने ये भरोसा कायम रखा। अब भी वकास ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और आज ही वापस लौटा था, तभी वकील साहब दादा की वसीयत लाए। दादा के चले जाने से पिछले एक महीने से दाऊद बहुत डिस्टर्ब था और अब ये नया शोशा। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चेयर पर बैठकर रुमाल से अपना पसीना साफ करने लगा। सर्दी के बावजूद जॉगिंग की वजह से उसका
पसीना बह रहा था, वो खामोश बैठकर खाली खाली नज़रों से इधर उधर देख रहा था और दिल ही दिल में दादा से शिकायतें कर रहा था। दादा जान, अपनी सारी ज़िंदगी इस लड़की की हमायत की, दादा जान आपने अपनी सारी ज़िंदगी इस लड़की की हमायत की, इसकी हर ज़िद मानी, इसके इतने नखरे नाज उठाए, इस लड़की की वजह से आपका प्यार बट गया, आपके प्यार पर सिर्फ मेरा हक था, इस लड़की ने मेरा हक पर डाका मारा, अपने वालिदैन तो मैंने पहले ही खो दिए थे, इसने आपको भी मुझसे छीन लिया, मैं ये शराकत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पाया, इस वजह से मुझे इस अरमीना नामी लड़की से नफरत है, नफरत थी, और रोज़ बा रोज़ इस नफरत में इजाफा होता जाता है। लोगों को ये झूठ छोटी बात लगेगी, लेकिन मेरे जहन में बचपन के ऐसे कई वाक़यात याद हैं, कब और किस तरह ये लड़की मेरा हक मारती गई और आपको मुझसे छीन लिया, और दुख तो इस बात का है कि जाने जाने के बाद भी आपको आपको इसकी इस कदर परवाह थी कि मेरे घर में उस अनजान लड़की को हिस्सेदार बना दिया। मुझे ना पैसे की हवस है ना घर, ये कारोबार मुझे ना पैसे की की हवस है ना घर ना कारोबार का लालच है, पर ये लड़की हमेशा मेरे मद्दे मुकाबिल क्यों आकर खड़ी होती है। बस बहुत हो गया, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस बहुत हो गया। वो गुस्से से उठा ही था कि इसका फ़ोन बज उठा, ऑफिस से ज़रूरी कॉल थी, कोई डेलीगेशंस आया था, इसलिए उसे जल्दी ऑफिस जाना था। जल्दी जल्दी में तैयार होकर वो ऑफिस चला गया। उठो और मीना बेटा, यूनिवर्सिटी नहीं जाना। हलीमा खाला कब से उसे उससे जगा रही थी, हर बार वो कहती 5 मिनट सो लेने दें, और 5 मिनट गुजर जाते और 5 मिनट और 5 मिनट मांगती। उठती हो के पानी लाऊं? नहीं नहीं उठ रही हूँ, इसने मुश्किल बामुश्किल अपनी जमाई रोकते हुए कहा। सारी सारी रात मोबाइल में बैठकर जागती रहती हो और फिर सुबह को तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, देखो ज़रा आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लगे हैं। हलीमा खाला उसे डांटती जा रही थी और साथ साथ उसका कमरा भी ठीक करती जा रही थी। ये एक बहुत बड़ा कमरा था जो खूबसूरती से सेट किया गया था, दीवारों पर रंगारंगी वॉलपेपर लगे थे जो कमरे की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे, महंगे फर्नीचर और पर्दों के साथ दीवारों पर अवेजा बहुत सी तस्वीरें जहां अरमीना हंसती मुस्कुराती नज़र आती कि बचपन से लेकर जवानी तक की मुख्तलिफ तकरीब में खींची गई तस्वीरें, कभी दादा के साथ कभी हलीमा खाला के साथ खुशबाश नज़र आती। हलीमा खाला जब भी ये मुस्कुराती तस्वीरें देखती तो दिल से दुआ करती थी कि अरमीना हमेशा यूं ही हंसती मुस्कुराती रहे। अरमीना वॉशरूम से मुँह धोकर आई तो सारा कमरा हलीमा खाला ने सेट समेट दिया था। अरे खाला रहने देती, मैं खुद कर लेती, अरमीना ने बालों को कंघी देते हुए कहा। तुम कर लेती, फिर तो हो गया कमरा सेट। खाला आप मुझ पर तंज कर रही हैं, अरमीना ने मुंह लटका कर कहा। तंज नहीं कर रही, अच्छे से वाकिफ हूँ तुमसे, बचपन से पाला पोसा है तुम्हें, नलायकी की सारी हदें पार कर दी तुमने, कितनी बार कहा है कि तरीका सलीका सीखो, यहाँ तो मैं तुम्हारे काम कर लेती हूँ, अगले घर जाकर क्या करोगी, खाला ने सवाली अंदाज में पूछा। बस कर दें खाला, सुबह सुबह मुस्तकबिल के ससुराल का निशाना खींचे बैठ जाइएगा, सारा मूड का कपाड़ा हो जाता है। फिर कुछ सोचकर पूछने लगी, सुने आपका भांजा कहाँ है? नीचे है, राजदारी के अंदाज में पूछा। नहीं ऑफिस गया है, तुम भी जल्दी आओ, बातों में लगा दिया। खाला नीचे चली गई, जबकि दाऊद के ऑफिस जाने का सुनकर मीना ने शुक्र का कलमा पढ़ा और नीचे के पोर्शन में चली गई। अरमीना का कमरा हलीमा के कमरे के साथ था। दाऊद को वकास के साथ अपने कैबिन में बैठकर मीटिंग डिस्कस कर रहा था, तभी कोई धड़म से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आने वाली ने सलाम की और कुर्सी खींचकर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम, वकास ने काफ़ी खींचकर सलाम का जवाब दिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अब मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं, मुस्कुराता हुआ वो बाहर चला गया, जबकि वो हसीना नाराज नाराज अंदाज में दाऊद को घूरती जा रही थी। क्या है यार, क्यों ऐसे घूर रही हो, डरा रही हो कसम से, दाऊद ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। 2 दिन हो गए ना मेरे मैसेज का जवाब देते हो, ना कॉल उठा रहे हो, अब भी कहते हो मैं गुस्सा भी ना करूं, मारुख ने नाराज नाराज शक्ल बनाकर कहा। यार पिछले 2 दिन से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, दाऊद ने अपने सिल्की बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। दाऊद तुम पिछले 2 दिन से नहीं 2 माह से बहुत डिस्टर्ब हो, पहले 1 माह तक तुम्हारे दादा हॉस्पिटल में रहे, दूसरे 1 माह उनके मरने का गम तुम मनाते रहे। मारुख इंतहाई रूड लहजे में बोलती जा रही थी जो इसकी तबीयत का खासा था, इंतहाई मॉडर्न अमीर बाप की इकलौती बेटी होने के हसीयत से खुद अतमादी इसमें कूट कूट के भरी थी, ऊपर से नहले पर दहला के कुदरत ने बेपना हुसन से नवाजा था और महंगी तराश खराश से हुसन में और चार चांद लग जाते थे।
ना तो मारुख किसी से डरती थी ना दबती थी, पर आज दाऊद को उसका लहजा काफी बुरा लगा। ये क्या तरीका है बात करने का रुख? वो मेरे दादा थे, उन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरे लिए वो क्या हैसियत रखते हैं शायद तुम जान नहीं सकती। मेरा सब कुछ वही थे, माँ बाप भाई दोस्त। इस एक इंसान में मैंने सारे रिश्ते ढूंढे हैं, उनका मुझ पर इतना हक तो बनता था कि उनकी बीमारी के दौरान उनको एक पल भी अकेला ना छोड़ता। बस बस दाऊद, तुम तो इमोशनल हो गए, मारुख ने बेजारी से कहा तो दाऊद को इसका रवैया बहुत बुरा लगा। उसका दिल कह रहा था कि अभी के अभी वहां से उठकर चला जाए, पर उठ नहीं सका। वो मारुख को नाराज नहीं करना चाहता था। मारुख दाऊद के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, दोनों की आपस में दोस्ती हुई, और दाऊद मारुख की खूबसूरती से मुतासिर हुआ तो वहाँ मारुख दाऊद की शख्सियत से मुतासिर हुई, पर दोनों की आपस में कोई खास जहनी हमांगी नहीं थी। दाऊद ने शाम को मिलने का वादा किया तो मारुख वापस चली गई। अरमीना की कॉलेज से छुट्टी हुई, जैसे ही गेट के अंदर दाखिल हुई एन इसी वक्त दाऊद की गाड़ी भी अंदर दाखिल हुई, जिसे देखकर अरमीना का ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। अरमीना ने तेजी तेज कदम उठाते हुए अंदर जाने की कोशिश की, तब दाऊद एकदम गाड़ी से उतर कर उसके आगे खड़ा हो गया। रुको अरमीना, दाऊद की गरजदार आवाज़ सुनकर अरमीना बोली, मुझे गर्मी लग रही है, मैं अंदर जा रही हूँ। अरमीना के बाजू को पकड़ कर उसे खींचा, इतनी सख्त सर्दी में तुम्हें गर्मी लग रही है? दाऊद के गुस्से से लाल चेहरे को देखकर अरमीना समझ गई कि एक बार फिर उसके जबान गलत जगह फिसली थी। दाऊद के सामने वो ऐसे ही हवास बाकता हो जाती थी, उसके मुंह से उलट पुलट बातें निकलती थीं। बोलो, तुमने दादा से घर में हिस्सा मांगा था ना, यही कहा होगा कि मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए दादा ने आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया, ऐसा ही है ना? दाऊद की उंगलियां इसके बाजू के अंदर घुसी जा रही थी। तकलीफ की शिद्दत से अरमीना ने आंखें बंद कर ली। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था दादा से, बाजू छोड़े मेरा, मुझे तकलीफ हो रही है। अरमीना ने रोने जैसी शक्ल बना ली। तकलीफ तकलीफ हो रही है तुम्हें? तकलीफ किसे कहते हैं मुझसे पूछो, तुमने जो बचपन से अब तक मुझे तकलीफें दी। दाऊद, आप बचपन की बातें लेकर बैठे हैं, उस वक्त मैं भी बच्ची थी। दाऊद ने इसकी बात आधे में काट दी। तुम बच्ची थी तो मैं क्या था? मेरे दादा को तुमने मुझसे छीन लिया। पहला थप्पड़ जो मुझे पड़ा था दादा से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो तकलीफ मुझे आज तक नहीं भूलती। दाऊद की आंखें लाल अंगारा हो रही थी। अरमीना जबरदस्ती अपना बाजू छुड़वाने लगी, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। आप अपने मेरी वजह से तकलीफें देखी हैं तो मैंने भी आपकी वजह से बहुत कुछ सहा है। आपको मुबारक हो, अपना ये महल मुझे, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं हॉस्टल में रह लूंगी। अरमीना अंदर भागती हुई चली गई, जानकर दाऊद को जान अरमीना भागती हुई अंदर भागती हुई चली गई जान के दाऊद को हैरान छोड़ गई। अरमीना भागती हुई अंदर दाखिल हुई और हलीमा को सलाम बगैर सलाम किए भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर चली गई। जबकि लॉन्च में बैठे हलीमा और आकाश ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे समझना चाह रहे हों कि इससे क्या हुआ। तभी लंबे लंबे डग भरता दाऊद अंदर दाखिल हुआ तो दोनों को बात समझ में आ गया। सलाम अलैकुम, दाऊद सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गया और आंखें मोंद कर सोफे पर टेक लगा दी। वालेकुम सलाम बेटा, हलीमा ने जवाब दिया और प्यार से दाऊद की तरफ तकती जा रही थी, जो आंखें मूंदे हुआ था। लगता है थक गया है मेरा बेटा, काम ज्यादा था? नहीं खाला, काम तो ज्यादा नहीं था, बस जहनी थकावट है। दाऊद ने वैसे ही आंखें मूंदे जवाब दिया। बेटा क्यों थकाते हो खुद को, मत सोचा करो, इतना छोटी छोटी बातों को क्यों सर पर सवार करते हो? हलीमा खाला अब प्यार से उसके पास सलाह रही थी। खाला, पिछले 15 साल से जो ये बला मेरे सर पर सवार है, आप इसे छोटी बात समझती हैं? आखिर क्यों क्यों है ये? क्या लगती है दादा की? आखिर कौन है ये? क्या लगती है दादा की? खुदा तरसी के लिए इसे साथ रख भी दिया तो इस कदर अहम बन गई कि दादा के लिए, कि अपने सगे पोते तक को नज़रअंदाज कर दिया। इस लड़की के लिए और भी तो बहुत से बेसहारा बच्चे थे, सबकी मदद करते, इस एक पर ही क्यों उतने मेहरबान थे? जब जब पूछा कि आपका इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है तो कभी ढंग से जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझे डांट 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 देते थे। खैर, तब मैंने चुप कर लिया, लेकिन अब दादा की वसीयत ने फिर मेरे अंदर के सवालों को दोबारा जन्म दिया है। दाऊद की लाल आंखें इस बात की गवाह थी कि वो कितने इस्तराब में था। एक तो मारू की बातों ने उसे डिस्टर्ब किया था, दूसरी तरफ यरमीना जो वबाले जान बनी हुई थी।
वकास जो टीवी का रिमोट था, मैं अच्छे मूड के साथ टीवी देख रहा था। दाऊद की बात सुनकर वो भी डिस्टर्ब हो गया और टीवी बंद कर दिया। दाऊद ने एक नज़र टीवी को देखा, फिर वकास को, सॉरी मेरी वजह से आप सबको भी परेशानी का सामना करना पड़ा, संजीदा लहजे में कहता हुआ दाऊद उठकर अपने कमरे की सिम में चला गया। वकास और नीमा एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। दूसरी तरफ हरमीना कॉलेज के यूनिफॉर्म में ही कंबल ऊपर ताने एक ही जाविये में मुसलसल छत को घूरती जा रही थी और दिल ही दिल में सोचती जा रही थी, दादा जान आपके जाने के बाद मैं कितनी तन्हा हो गई, आपके होते हुए इस दाऊद नामी बला की कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मुझसे इस लहजे में बात करें, आप मेरे साहिबान थे, इस तपती दोपहर में घनी छाँव की मानिंद थे, अब ऐसा लगता है कि मुझे कैसे ऐसा लगता है मुझे किसी ने कड़ी दोपहर में लाकर पटक दिया हो। आज भी मुझे वो दिन याद है जब आप पहली बार मुझे यहाँ लाए थे, मैं तकरीबन 6-7 साल की थी, मुझे कुछ नहीं मालूम आपका अम्मी के साथ क्या रिश्ता था, बस इतना याद है जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो उससे पहले अम्मी ने मुझे आपके सपुर्द किया ये कहकर कि आज से यही तुम्हारे सब कुछ हैं। और इसी दिन अम्मी का इंतकाल हो गया, दादा 3 दिन तक हमारे घर में रहे, फिर मुझे अपने साथ अपने बड़े से बंगले में ले आए। तब दाऊद ने मुझे देखा और बुरी बुरी शक्लें बनाता हुआ दादा से पूछा, दादा जान ये गंदी बच्ची कौन है? वो मुझे हकारत से देख रहा था, मैं भी शर्मिंदा हुई थी, मुझे मैला फ्रॉक जो 3 दिन से पहना हुआ था, मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरा मुंह तक धुला हुआ नहीं था क्योंकि ये सारे काम मेरी अम्मी करवाती थी और मेरी माँ का 3 दिन पहले इंतकाल हो चुका था। दादा ने तेज़ आवाज़ के साथ कहा, बुरी बात ऐसा नहीं कहते, ये आपकी सिस्टर है। नहीं है ये मेरी सिस्टर, ऐसा बोलकर दाऊ ने बैट जोर से ज़मीन पर दे मारा जो इसके हाथ में था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी क्रिकेट खेल कर लौटा हो और भागता हुआ ऊपर चला गया। फिर ऐसा रोज़ होने लगा, दाऊद को पहली नज़र में ही मुझसे नफरत हो गई थी और नफरत आज तक बरकरार है। ठक ठक की आवाज़ से वो सोचो कि दुनिया से बाहर आई। मीना बेटा दरवाज़ा खोलो, हलीमा खाला ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी। ना चार अरमीना को उठना पड़ा, अरमीना तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, शाबाश, फौरन चेंज करके नीचे आओ, खाना लगा दिया मैंने, मुझे भूख नहीं। अरमीना वापस अपने बिस्तर में लेट गई। क्या बात है अरमीना, दाऊद ने कुछ कहा है? कोई ऐसा दिन गुजरा कि आपका भांजा कुछ ना कुछ कहे? उनका तो खाना भी हजम नहीं होता जब तक मुझे डांट ना ले। ये उनके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ हर उस चीज़ का इल्ज़ाम मेरे सर पर ना लगा दें तब तक इनको चैन नहीं आता, अरमीना उदास लहजे में बोली। अच्छा शाबाश, उठ जाओ, अब खाना ठंडा हो रहा है और वैसे तुम भी मेरे भांजे को जिच करने का ऐसा कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, तुम दोनों की परवरिश मैंने की है, अच्छे से तुम दोनों के मिजाज जानती हूँ, अब ड्रामेबाजी छोड़ो और शराफत से उठो, खाला ने धमकी अमेज़ लहजे में कहा। यहाँ तो किसी को मेरी फीलिंग्स की भी परवाह नहीं है, मेरी उदासी भी ड्रामा लगती है। कंबल फेंक कर वो वॉशरूम का रुख कर गई थी। यूनिफॉर्म चेंज करके वो खाने के लिए मेज़ पर पहुँची तो दाऊद वहाँ पहले से बैठा खाना खा रहा था। अरमीना समझ गई कि ऐसे ही धमका कर खाला ने दाऊद को भी खाने के लिए बुलाया होगा। अरमीना भी चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से इग्नोर किए खाने में मगन नजर आ रहे थे जबकि वकास दोनों को किसी न किसी बात पर मुखातिब करता जाता था। कॉलेज में केमिस्ट्री का पीरियड बंक करके वो दोनों छत की तरफ जाती हुई सीढ़ियो पर छुप कर बैठी थी। छत के गेट में बड़ा सा ताला लटक रहा था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था, पर अक्सर लड़कियाँ जो किसी टीचर का पीरियड अटेंड नहीं करना चाहती थी वो यहाँ छुपी छुपती थी। तो फिर तुमने क्या सोचा है अरमीना, तुम वाकई में हॉस्टल में रहोगी? नेहल हैरान से उसे तकती जा रही थी। तो और क्या करूं, बला हर वक्त मुझे काट खाने को दौड़ता है, वो बिल्ला हर वक्त मुझे काट खाने को दौड़ता है, पहले दादा थे तो और बात थी, अब तो उसे देखकर मेरी जान पर बन आती है, अब कोई मेरी साइड लेने वाला नहीं, अरमीना ने उदास लहजे में कहा। बिल्ला तो मत कहो इसे, वो तो किसी अंग्रेजी फिल्म का हीरो लगता है, नेहल ने मुस्कुराकर कहा। इंग्लिश फिल्म का हीरो हो या पंजाबी फिल्म का, मेरी बला से सिर्फ शक्ल अच्छी होने से कुछ नहीं होता, तमीज़ भी कोई चीज़ है, और मैंने तुमसे मशा मांगा था और तुम उल्टा मुझसे ही सवाल करने लगी हो, और मीना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा।
तभी कुछ लड़कियां भागती हुई सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर आ गई। मैडम राउंड पर हैं, आने वाली लड़कियों ने चुप रहने का इशारा किया और सबको चुप लग गई। अब वो सब सलवतें पढ़ रही थी, तभी छुट्टी की बेल बजी तो सबकी सांस बहाल हो गई। अरमीना नहल भी अपना बैग उठाती हुई गेट तक जाने लगी। एक आइडिया है मेरे पास, जल्दी बोलो अरमीना, जो खुश हो गई। तुम ऐसा करो, दाऊद से शादी कर लो, फिर वो जोरू का गुलाम बन जाएगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुमसे लड़ेगा भी नहीं। और अभी उसकी बात भी नहीं पूरी हो पाई थी कि अरमीना ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ रजिस्टर जोर से उसे उसके सर पर दे मारा मारा। नहल इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। अपने पास रखो अपने मशवरे, इससे शादी से अच्छा है मैं गेट के चौकीदार से ना शादी कर लूँ। कर लो तुम भी चौकीदारी करती रहना उसके साथ गेट पर, दाऊद के लायक भी नहीं हो तुम। नहल गुस्से से लाल चेहरा लिए अपना सर सलाती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। इसलिए कहते हैं बेवकूफ़ दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर। मीना ने ड्राइवर की तलाश में यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई। ड्राइवर की जगह वकास की गाड़ी नजर आई तो और मीना फ्रंट डोर खोलकर उसके साथ बैठ गई। बंदा सलाम कर लेता है, सलाम तो तुम पर भी वाजिब है, तुम ही पहल कर लेते, पर नहीं, तुम सबको सिर्फ मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए। वो पहले ही भरी बैठी थी। ओहो, लगता है पहले से ही मूड खराब है। अब गोलाबारी मुझ पर हो रही है, वजह जान सकता हूँ? क्या तुम वजह नहीं जानते हो? अरमीना ने आईब्रो चाकर पूछा। दाऊद वकास ने हवा में तीर फेंका, जाहिर है। अच्छा छोड़ो इसको विक्की, तुम मेरा एक काम करोगे, बोलो कोई अच्छा सा हॉस्टल देख कर दो। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं फारूकी हाउस में नहीं रहूंगी, अरमीना ने अटल लहजे में कहा। पागल हो गई हो तुम, वकास ने गुस्से से कहा। नहीं हुई तो नहीं, नहीं हुई तो नहीं, इससे पहले कि हो जाऊं और सोचा चली जाऊं। कहाँ जाऊं, क्या हो जाऊं, पागल? तुम पागल होने वालों में से नहीं हो, करने वालों में से हो। एक मजनू सबको पागल समझता है, सारी दुनिया मिलकर उसे पागल समझती थी। विक्की, तुमसे तो बात करना भी फजूल है। फिर सारे रास्ते अरमीना चुप रही। वकास ने भी इससे कोई बात नहीं की। वकास जानता था अरमीना एक बात का रट लगाती है तो इससे पीछे नहीं हटती, इसलिए वकास से इसकी बात को मजाक में टाल गया। विक्की कहाँ गए थे, मैं कब से तुम्हें बोल रहा था। अम्मी का फोन था, ड्राइवर के घर में कोई इमरजेंसी आ गई थी, वो छुट्टी पर गया है। अरमीना को कॉलेज से घर ड्रॉप करके आया हूँ, वकास बैठते हुए बोला। अरमीना का नाम सुनकर दाऊद का हलक्ता कड़वा हो गया, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। दाऊद, अरमीना हॉस्टल में रहना चाहती है, वकास ने संजीदा होकर कहा। रहे मेरी बला से, अच्छा है मेरी नज़रों से दूर रहेगी। दाऊद की बात सुनकर वकास कुछ देर उसे तकता रहा। इतने बेहिस हो गए हो दाऊद, इसमें बेहिसी की क्या बात है, वो खुद रहना चाहती है, मैंने तो नहीं कहा। दाऊद ने नज़रें अपने लैपटॉप पर गाड़े हुए कहा था। तुम हो सकते हो बेस, उसे इजाज़त दे सकते हो हॉस्टल में रहने की, पर मैं हरगिज़ नहीं दूंगा। हॉस्टल के माहौल से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, मैंने दादा से वादा किया था कि मैं अरमीना का ख्याल रखूँगा। वादा तो मैंने भी किया था, दाऊद सरगोशी के अंदाज में बोला। एक बात और मुझे तुमसे करनी थी दाऊद, बोलो। अब मैं अपना बोझ उठाने के काबिल हो गया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा घर लेकर अम्मी और अरमीना को लेकर अलग शिफ्ट हो जाऊँ, वकास ने डरते डरते कहा। दाऊद ने पहले तो बेयकीनी से वकास की तरफ देखा और लैपटॉप बंद करके बोला। क्या कह रहे हो तुम विक्की, तुम पागल तो नहीं होगे, मुझे अकेला छोड़कर तुम खाला को लेकर चले जाओगे? दाऊद ने बेयकीनी से वकास की तरफ देखते हुए कहा। अकेला कहाँ छोड़ के जाऊंगा, तुम आज नहीं तो कल मारुख से शादी कर लोगे, और हकीकत यही है कि मारुख की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं, वो हमारा वजूद अपने घर में कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ अब मैं अपना घर ले लूँ। तुम्हारे और दादा जान के बहुत एहसान है हम पर, मैं अम्मी को अपने घर का मान एहसास तहफ़ देना चाहता हूँ। दादा जान ने और तुमने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी, पर हर औरत का ख्वाब होता है कि इसकी औलाद पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुँचे। पहले की बात और थी, मैं पढ़ रहा था, अब मैं अपनी मेहनत के बलबोते पर यहाँ काम करता हूँ। इस बुढ़ापे में अम्मी को अपना घर लेकर देना चाहता हूँ, और जाहिर है अरमीना अकेली तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए उसे भी साथ लेकर जाएंगे। वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, 2-3 साल की ही मेहमान है। वकास की बातें दाऊद को डिस्टर्ब करती जा रही थी। दाऊद ने अपने बाल मुठियों में जकड़ते हुए अपना जहनी इंतशार कम करने की कोशिश की। विक्की, तुम कम से कम
क्योंकि तुम्हें कम से कम अभी ये सब नहीं कहना चाहिए था जब मैं ज़हनी तौर पर पहले से ही इतना डिस्टर्ब हूँ। दादा को गए अरसा ही कितना हुआ है कि तुम और खाला भी जाने की बातें कर रहे हो। सॉरी यार, पर वकास की बात आधे में काट कर दाऊद अपना मोबाइल उठाता हुआ तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर चला गया और ज़ोर से धड़म की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। दाऊद जैसे ही गाड़ी से उतरा लॉन में और मीना को बैठे देखा, दाऊद के सर में बहुत दर्द था। वो सीधा अंदर की तरफ जाने ही लगा था कि अरमीना ने पीछे से आवाज़ दी, दाऊद दाऊद। दाऊद ने मुड़कर उसे देखने लगा, वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई उसकी तरफ आ रही थी। दाऊद को याद आ रहा था कि कितना दादा और खाला अरमीना को इस वक्त इस बात पर डांटते थे कि दाऊद भाई कहो, पर अरमीना ने कभी उसे भाई नहीं कहा। अब वो दाऊद के करीब आ गई थी। वो मुझे आपसे बात करनी थी, अरमीना ने डरते डरते कहा। मेरे सर में इस वक्त बहुत दर्द है, मैं सोना चाहता हूँ। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी, अरमीना ने कहा। जल्दी बोलो, दाऊद ने बेजारी से कहा। मैं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ, पर वकास ने खाला को बता दिया। अब वो मुझसे नाराज़ हैं। आप खाला को समझाए, अरमीना ने अटक अटक कर अपनी बात पूरी की। दाऊद ने अब एक बार गौर से उसे देखा। ब्लैक और रेड कलर कॉम्बिनेशन के सादा सूट के साथ दुपट्टे की जगह ब्लैक शॉल ही कंधे पर लपेटा हुआ था। शोल्डर कट बालों की ऊंची पोनी बनाए वो इस वक्त मासूमियत से बोलती जा रही थी, जैसे इससे मासूम कोई ना हो। इतनी मासूम है नहीं जितनी दिखती है, बल्कि दिखने की एक्टिंग करती है। दाऊद दिल में खुद से मुखातिब हुआ। खाला कभी नहीं मानेगी, और मैं हलीमा खाला को नाराज़ नहीं करना चाहता। तुम रहो जैसे पहले रहती थी, बल्कि अब तो तुम्हारा बराबर का हिस्सा है इस घर में। मैं कौन होता हूँ तुम्हें निकालने वाला, दाऊद ने तंजिया लहजे में कहा। मुझे आपके घर से कोई सरोकार नहीं है, ना मुझे इस घर में कोई दिलचस्पी है। मैं बस अपने कमरे तक ही महदूद रहूंगी। दाऊद का तंजिया लहजा देखकर मीना भी अपने टून में वापस आ चुकी थी। अब वो तेज तेज कदम उठाते हुए अंदर की जानिब चली गई। पागल, इससे पता नहीं कि करोड़ों की मालियत का है ये घर। अगर ये अपना हिस्सा ले तो अलग से अपने लिए घर ले सकती है, और ये कमरे में रहने की बातें कर रही है, सब दिखावा है। दाऊद खुद से बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया। अरमीना का कॉलेज ख़त्म हुआ तो वकास ने उसे यूनिवर्सिटी का फॉर्म ला कर दिया। इस वक्त अरमीना लाउंज में बैठी किसी मैगजीन के पन्ने उलट पुलट कर रही थी। ये लो, इससे फिल करो। आखिरी तारीख है परसों फॉर्म जमा करवाने की। कितनी बार तुम्हें कहा है कि तुम तो चुपचाप बैठी हो, बस आज ऑफिस से सीधा मैं यूनिवर्सिटी गया तुम्हारा एडमिशन फॉर्म लेने, वकास खुशी खुशी बता रहा था, जबकि अरमीना बेजार शक्ल बनाकर बैठी थी। क्या हुआ, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, वकास ने उसके उतरे चेहरे को देखकर फिक्रमंद हुआ। मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लूंगी। क्यों, कोई और कोर्सेस वगैरह करने का इरादा है क्या, वकास ने चेयर घसीटते हुए इसके सामने किया और वहाँ बैठ गया। नहीं, ना मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी, ना कोई कोर्सेस करूंगी। बस मैंने पढ़ाई को खैरबाद कह दिया है। मैं अपनी तरीन के अखराजात खुद नहीं उठा सकती, और ना किसी और पर मजीद बोझ बन सकती हूँ। उफ, अब नया शोशा मत छोड़ना अरमीना, वकास ने बेजारी से अपना सर हिलाया। एक तो मेरी हर बात तुम्हें नया शोशा लगता है। मैंने जब कह दिया मुझे नहीं पढ़ना, मुझे तो क्यों इसरार कर रहे हो विकी। मैं जॉब ढूंढूंगी, कोई छोटा मोटा छोटी मोटी, और अपना खर्चा खुद उठाऊंगी। पागल, पहले भी तो पढ़ती थी, तुम रहती थी ऐसी बातें नहीं करती थी। पहले की बात और थी विकी, पहले दादा जान थे, अब वो नहीं रहे। अरमीना की आंखें भीग गईं। अब भी तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई जरूरत नहीं जॉब करके धिक्के खाने की, और ज्यादा सोचकर अपने छोटे से जहन को मत थकाओ, वकास ने सख्त लहजे में कहा। अरमीना के पास मजीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रही। वकास की इज्जत उसकी नज़र में और बढ़ गई, जो आज ब्लैक शलवार कमीज पहने हुए था, क्योंकि आज जुम्मा मुबारक था। इसलिए अक्सर वकास जुम्मे को शलवार कमीज पहनता था, जो इस पर बहुत जचते थे। इतने गौर से क्या देख रही हो, माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे नज़र लगाओ, वकास उसका मूड अच्छा करने के लिए बोला। अपने मुँह मियाँ मिठू ना बनो, पर हाँ, पर यह सच है, तुम्हें ऐसे कपड़े बहुत सूट करते हैं, अरमीना अपनी धुन में कहती जा रही थी। तभी उसे दाऊद खड़ा नजर आए, जो अपने कमरे से निकला था और जाने कब से वहाँ खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। अरमीना वहाँ से जाने लगी तो वकास ने आवाज़ दी, फॉर्म तो ले जाओ। अरमीना ने वकास के हाथ से फॉर्म लिया और दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराहट का तबादला किया। और दाऊद ने इस मंजर को बहुत गौर से देखा, और इसकी नज़रों ने दूर तक अरमीना का तवाफ़ किया। माँ रुख बेटा, इतने दिनों बाद आई हो, कैसी हो। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं। अल्लाह का करम है, खाला ने मुस्करा कर कहा। दाऊद, वकास, अरमीना, हलीमा खाला सब खाने पर मौजूद थे, और मारुख मेहमान
खसूसी बनी हुई थी। अरमीना, तुम्हारी कॉलेज तो मुकम्मल हो गई है ना, अब आगे क्या करने का इरादा है? मारुख ने पूछा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, कल से क्लासेस स्टार्ट हैं, अरमीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरमीना को मारुख बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बहुत रूड और बदतमीज थी। वो अक्सर सोचती थी कि दोनों एक जैसे हैं, खूब जमेगा रंग जब दाऊद और मारुख की शादी होगी। अरे खाला, आपने अरमीना की शादी वादी नहीं करनी, अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर शादी करवा दे, इसकी पढ़ाई तो शादी के बाद भी होती रहेगी। अरमीना की बात पर सब एक दूसरे को देखने लगे। जब कोई कुछ नहीं बोला तो अरमीना फिर बोल उठी, आप सब चुप क्यों हो गए? जाहिर है अरमीना, अब दाऊद की जिम्मेदारी है, दादा जान तो नहीं रहे हमारी शादी से पहले। अच्छा है दादो जब कोई कुछ नहीं बोला तो मारूख फिर बोल उठी, आप सब चुप क्यों हो गए? जाहिर है अरमीना, अब दाऊद की जिम्मेदारी है, दादा जान तो नहीं रहे हमारी शादी से पहले। अच्छा है दाऊद अरमीना के फर्ज से आज़ाद हो जाए तो हम आराम से घूमें फिरें, है ना दाऊद? मारूख ने दाऊद से ताईद चाही। दाऊद को मारूख की बातें अच्छी तो नहीं लगी, पर इसने ताईद में सर हिलाया, जबकि अरमीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो खाना छोड़कर चली गई। अजीब बदतमीज लड़की है, ऐसे खाना आधे में छोड़कर चली गई। मारूख का मूड भी खराब हो गया। बेटा आप खाना खाओ, खाला ने रस्मन मेहमान नवाजी निभानी चाहिए। नहीं आंटी, मैं ज़्यादा नहीं खाती, प्लीज़ आप मुझे अच्छी सी चाय बना कर दें ना, मारूख ने हुक्म देते हुए कहा। वकास और दाऊद को ये बात बहुत बुरी लगी। हलीमा चाय के लिए उठने लगी थी कि वकास ने नूरी को आवाज़ दी, नूरी मारूख मैडम के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। वकास और हलीमा अंदर चले गए। मारूख और दाऊद देर तक लॉन में टहलते रहे, बातें करते रहे। अपने कमरे की खिड़की से अरमीना कब से उन दोनों को देख रही थी। बात बात पर मारूख दाऊद का हाथ पकड़ लेती थी और करीब होती थी। अरमीना को इस बात पर बहुत हैरत हो रही थी कि एक लड़की कैसे बगैर किसी रिश्ते के किसी मर्द से इस कदर करीब हो सकती है, जबकि दाऊद मर्द होने के बावजूद हिचकिचा रहा था और बहाने बहाने से इससे दूर हो रहा था। रात के 10 बजे मारूख अपने घर चली गई। मारूख के कमरे में अंधेरा था। अरमीना के कमरे में अंधेरा था और खिड़की खोले वो कब से वहां खड़ी थी। मारूख के जाने के बाद भी दाऊद वहां खड़ा सिगरेट पी रहा था, वो कभी कभी सिगरेट पीता था। अरमीना उसी वक्त नीचे गई, दो दो सीढ़ियां एक साथ फैलांगती हुई गुस्से से लॉन की तरफ जा रही थी। दाऊद लॉन में बैठा था, लॉन में लाइट लगी थी, पूरा लॉन रोशनी में नहाया हुआ था। दाऊद ने अरमीना को आते देखा तो एकदम सिगरेट नीचे फेंक कर अपने बूट से मसल दिया। अरमीना तेज तेज चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी, जिसे दाऊद को जैसे जैसे देख कर दाऊद को अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत गुस्से में है। दाऊद के सामने आकर इसकी आंखों में आंखें डाल कर खड़ी थी। आपको और आपकी इस मारूख मैडम को मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेरी शादी की फिक्र में हलकान हो रही है, आप उससे कह दें वो अपनी शादी की फिक्र करे। पहले बहुत बड़ी है मुझसे उम्र में, मैं इस घर में रहती ज़रूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गुलाम हूँ। जो आई आई नहीं और अभी अभी से मुझ पर हुक्म चलाती है, पहले भी मैं उसकी बहुत बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर चुकी हूँ। गुस्से से लाल चेहरा लिए वो दाऊद को बातें सुनाती जा रही थी। दाऊद चुपचाप खड़ा से देखे जा रहा था। लाइट्स की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके नाक में पहना नाजुक सा लौंग जगमगा रहा था। एक लम्हे को दाऊद उसके चेहरे में खो सा गया। जब अरमीना पैर पड़ती हुई वापस चली गई थी तब दाऊद होश में आया। अब दाऊद को खुद को मलामत करता हुआ अंदर की जानी बढ़ा। वकास रात के 1 बजे पानी पीने के लिए उठा ही था, जब उसने दाऊद के कमरे की लाइट ऑन देखी तो दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गया। आओ विकी, दाऊद जो बेड का उसे टेक लगा अपने मोबाइल में कोई पुरानी गजल सुन रहा था। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है, अब तक जाग रहे हो? वकास ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ तबीयत ठीक है, थके थके अंदाज में जवाब दिया। फिर रात देर तक जागने की वजह कहीं मोहब्बत का शिकार तो नहीं हो गए? वकास ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं यार मोहब्बत का नहीं पता, नहीं यार मोहब्बत का नहीं, अलबत्ता लगता है मैं एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ। कुछ नहीं होता यार, परेशान मत हो, और जो चीज़ परेशान कर रही है उससे पीछा छुड़ाओ और बताओ क्या परेशानी है मारुख, दाऊद ने ठंडा सांस लेकर कहा। मारुख मतलब, बकास ने सवाली अंदाज में कहा। यार मारुख का नेचर, उसका तुम सबसे बात करने का अंदाज, खाला के साथ, तुम्हारे साथ, यहाँ तक कि अरमीना के साथ भी वो इस लहजे में बात करती है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो तुमसे कहता हूँ।
हमें इजाज़त दे दो, खुद के लिए भी आसानियाँ पैदा करो और हमारे लिए भी। मारुख हम तीनों को पसंद नहीं करती, उसे लगता है तुमने चैरिटी खोली हुई है, वो हक पर भी है। मैं उसे गलत नहीं कहता, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी फैमिली बढ़ेगी, मेरी शादी होगी और हम जैसे हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं, इससे ज़रूरी नहीं आने वाली हमारी बीवियाँ भी वैसे रहें। वकास इस अंदाज से बात करता था कि किसी को कोई बात बुरी ना लगे। तो फिर क्यों ना वकास, मैं सबसे पहले खुद के लिए सानी पैदा करूं। मारुख से पीछा छुड़ाकर मैं आज़ादी के साथ सांस लेना चाहता हूं। ऐसा लगता है मारुख मेरे गले का फंदा है। क्या कह रहे हो दाऊद, मारुख तो तुम्हारी अपनी पसंद थी, ऐसे कैसे? मतलब हमारी वजह से? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तो हमारी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, वकास ने अटक टक कर कहा, क्योंकि वकास जानता था कि दाऊद मारुख को बहुत पसंद करता है। ऐसी कोई बात नहीं विकी, तुम सबकी वजह से नहीं छोड़ रहा, मैं मारुख को मैं अपने लिए सानी पैदा करना चाहता हूँ। माना कि यूनिवर्सिटी के ज़माने से मारुख मुझे पसंद थी, मैं इसकी खुद अतमादी और मेच्योरिटी से काफ़ी मुतासर हुआ था, पर होले होले इसके साथ वक्त गुजरते गुजरते मुझे एहसास हो गया कि मारुख मेरे टाइप की लड़की नहीं, वो सिर्फ अपनी मनवाना जानती है। इसे कोई गर्ज नहीं कि मैं परेशान हूँ, दुख में हूँ या मेरे पास वक्त नहीं, वो बात बात पर नाराज़ हो जाती है। मेरे दादा जो मेरे कुल कायनात थे, इधर वो मुझे छोड़कर चले गए, मेरा दुख बांटना तो दूर की बात है, उल्टा वो मुझसे झगड़ने लगी कि मैं उसे वक्त नहीं दे रहा। दाऊद ने सांस खींच कर बोला, मैं उसके साथ रहते रहते उसे मनाते मनाते थक गया हूँ यार, मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे समझ सके, बिन कहे मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखे, मेरी परेशानियाँ मेरे दुख सब बांट सके। दाऊद ने सर बेड क्रोन से टका लिया और वकास से हैरत से उसे देखता रहा, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं, गलत तो नहीं कहा, बस मैं हैरान हो रहा हूँ, ये तुम हो दाऊद? मतलब जाहिर तो बड़े रूड, सीरियस, वेल मैनर्ड बने हुए होते हो, पर हो अंदर से वही रवायती मर्द जो चाहता है बीवी इसकी खिदमत करे, वकास ने हंसकर कहा। हाँ, तुम कह सकते हो, अगर एक अच्छी समझदार सुलझी हुई जीवन साथी की तमन्ना करने से मैं रवायती मर्द की कैटेगरी में आता हूँ तो हाँ हूँ, मैं भी अंदर से वही रवायती मर्द, पर बस मारुख का और मेरा साथ यहाँ तक था, मैं उसे आराम से समझाऊँगा ताकि वो हर्ट भी ना हो। अच्छा, जो तुम्हें सही लगे अभी सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत, वकास उसे नसीहत करते हुए बाहर निकल आए, जबकि दाऊद अब खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई, पर आज उससे मिन्हा कहीं नज़र नहीं आई, वरना जैसे ही वो एंटर होती थी मिन्हा भागती हुई इसके पास आती थी। लगता है आज मिन्हा नहीं आई, ये सोच कर ही अरमीना का मूड ख़राब हो गया था। मिन्हा भी इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, यहाँ पर भी दोनों एक साथ घूमते फिरते थे, क्लास में एक साथ ही बैठते थे, दोनों काफ़ी नर्वस भी थी इसलिए काफ़ी मोहताज रहती थी। आज एक हफ्ता हुआ इन्हें यूनिवर्सिटी आते, यहाँ पर अरमीना का काफ़ी दिल लग गया था, काफ़ी रौनक रहती थी, हम वक्त लड़के लड़कियाँ ग्रुप्स की शक्ल में इधर उधर बैठे मिलते हल्ला गुल्ला करते, कुछ लड़कों के हाथ में गिटार होता और उनके इर्द गिर्द काफ़ी रश होता, जिनका गाना सुनने के लिए खड़े होते। अरमीना का दिल नहीं करता था कि घर जाने का, जहां दादा के बाद उसका दिल नहीं लगता था और दाऊद से सामना ना हो, इसलिए सारा सारा दिन उसे अपने कमरे में गुजारना पड़ता था। वैसे तो दाऊद ऊपर के पोर्शन में कम कम ही आता था, पर ऊपर का टीवी लाउंज और नीचे के टीवी लाउंज में बीच से सीढ़ियाँ थी जो खूबसूरती तरीके से बनाई गई थी और वो दोनों लाउंज को मिलाती थी और दीवार की बजाय रेलिंग लगे थे। सो बार सानी ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर बैठे एक दूसरे का हाल जान लेते थे, इसलिए अरमीना को जब जब अंदाज़ा होता कि दाऊद घर पर है तब तक वो लॉन्च में भी नहीं निकलती थी, इसलिए अब उसका दम घुटने लगा था फारूकी हाउस में। हाय अरमीना, जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी अचानक से अपने करीब मर्दाना आवाज सुनकर डर गई। सामने एक खूबरू लड़का खड़ा था जो अपने हुलिये से काफ़ी अमीर कभी लगता था। अरमीना कुछ बोल नहीं पाई, उसे गैर मर्दों से बात करने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ था, उसके घर में बस तीन मर्द थे, दादा, दाऊद और वकास, इनके अलावा कभी किसी से बात नहीं करती थी। जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वो भी गर्ल्स कॉलेज था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, उस लड़के ने इजाज़त मांगी। अरमीना वहाँ से उठते हुए बोली, जी बैठ जाएं। अरे अरे, आप क्यों
उठकर जा रही हैं, बैठ जाएं, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम हारिस शाह है, इस लड़की ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। मैं चलती हूँ, मेरी क्लास से अपना पर्स संभालती हुई रमीना क्लास की तरफ चल दी। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, हारिस की चुभती हुई नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। मीना को तो मैं अच्छे से देख लूंगी, और मीना दिल ही दिल में मीना पर गुस्सा कर रही थी, जो आज आई नहीं और उससे कॉल करके बताया भी नहीं कि मैं नहीं आऊंगी यूनिवर्सिटी। दाऊद ने मारू को अच्छे लफ्ज़ों में समझाया कि हमारा साथ बस यहीं तक था। दाऊद को बहुत बुरा लग रहा था मारूख से ऐसे कहते हुए, पर मारूख तो जैसे इसी इंतज़ार में बैठी थी। कोई बात नहीं दाऊद, तुम शर्मिंदा मत हो, सच तो यही है, हमारी सोच और जहन बिल्कुल नहीं मिलते। मैं पहले ही इस बात को रियलाइज़ कर चुकी थी, पर तुमसे कह नहीं पा रही थी। मेरा कज़न माज अमेरिका से वापस आया है, वो मुझे बहुत पसंद करता है, मेरी तुम्हारे साथ कमिटमेंट थी, इसलिए मैंने उसे इनकार कर दिया। मारूफ भी अब काफ़ी रिलैक्स लग रही थी। दाऊद समझ गया कि मारूफ की दिलचस्पी उसके कज़न में है, इसलिए आराम से पीछे हट गई। आज दाऊद घर पर नहीं था, ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए आज अरमीना आज़ाद थी। खुशी से सारे घर में दनदनाती फिर रही थी, कमरे में कुड़ कुड़ कर वो बेजार आ चुकी थी। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, सो उसने नूरी को अपने क्वार्टर में भेज दिया और खुद चाय बनाए और पकोड़े बनाने लगी। तभी उसका फ़ोन बजा, मिन्हा कॉलिंग लिखा था, और मीना ने स्पीकर ऑन किया क्योंकि वो पकोड़े तलती जा रही थी। वकास अपने रूम में सो रहा था जबकि खाला भी अपने कमरे में थी। हेलो अरमीना, बोलो क्या बात है, अरमीना ने गुस्से से पूछा। क्या हुआ यार, नाराज़ हो? सॉरी मैं बता नहीं सकी, अम्मी ने यूनिवर्सिटी जाने नहीं दिया कि मेहमान आ रहे हैं। इसी वक्त जब अरमीना मिन्हा के साथ फ़ोन पर बेजारी बिजी थी, दाऊद किचन की तरफ आया। वो किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा था, रास्ते में पता चला कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। दाऊद वापस आया, वो दिन भर का भूखा था, कुछ खाने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए सीधा किचन में आया। पकौड़ों की खुशबू उसे खींच लाई, वो समझ रहा था ज़रूर खाला पकौड़े तल रही होगी। जैसे ही वो किचन के दरवाजे पर आया तो अरमीना अपने धुन में अपनी दोस्त से बातें करती जा रही थी। बंदा एक मैसेज करके बता देता है कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, ताकि मैं भी ना जाती। तुम्हें मालूम तो है मुझे अकेले डर लगता है, तुम साथ होती हो तो फिर डर नहीं लगता। पता है आज मैं अकेली यूनिवर्सिटी में बैठी थी, तभी एक लड़का मेरे सामने आया और मुझे हेलो कहा, मैं इतना डर गई। दाऊद ना चाहते हुए भी वहाँ खड़ा रहा रमीना की पूरी बात सुनने के लिए। क्यों यार इतना भयानक लड़का था जो तुम डर गई? नहीं भयानक तो नहीं था, बहुत हैंडसम था, कह रहा था बैठो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, मेरा नाम हारिश शाह है। अच्छा तो तुमने क्या कहा, काश मैं भी वहाँ होती तो उसे देख लेती। मीना उसे देखने के लिए अतालवी हो रही थी। देख लेना ज़रूर, रोज़ आता होगा यूनिवर्सिटी, मैं तो वहाँ से भागी। मैंने कहा मेरी क्लास है। गर्म पकौड़े का टुकड़ा मुँह में गर्म पकौड़े का टुकड़ा जैसे ही मुँह में डाल कर पलटी, वहाँ दाऊद को देख कर खड़ी की खड़ी रही। ऊपर से इसका मुँह जल गया था गर्म पकौड़े से। दाऊद उसे देखकर किचन के अंदर आया। हेलो अरमीना, उधर मीना की आवाज़ गूंज रही थी। तभी अरमीना ने चेयर से अपना दुपट्टा उठाकर पहना और फ़ोन बंद कर दिया। दाऊद अब प्लेट में पकौड़े डाल रहा था और वहीं किचन में चेयर पर बैठ गया। पकौड़े जल गए, दाऊद ने पकौड़ा मुंह में डालते हुए अरमीना को इशारा किया। अरमीना ने चूल्हा बंद कर दिया, बहुत जोर की भूख लग रही थी, बहुत टेस्टी है, प्री चाय का कप तो गर्म करके दो। दाऊद के कहने पर अरमीना अंदर ही अंदर ताव खा रही थी। नौकर हूँ मैं लाड साहब की, दिल ही दिल में उसे कोस रही थी। अरमीना चाय गर्म करके दाऊद के सामने रख कर जाने लगी। रुको, दाऊद की आवाज़ पर वो रुकी। यूनिवर्सिटी में तरह तरह के लोग होते हैं, तुम ना समझो, कभी घर से बाहर निकली नहीं हो, तुम्हें लोगों की परख नहीं, खाम खा की दोस्तियाँ पालने की जरूरत नहीं है, वो लड़कियाँ हों या फिर लड़के, आई समझ? दाऊद की बात से अरमीना के तन बदन में आग लग गई। मैं ना समझ नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ, और छुप कर किसी की बातें सुनना भी बुरी बात है, अरमीना ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। दाऊद चाय का घूंट भर कर खड़ा हो गया और अरमीना के करीब आया। देखो इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे गार्डियन होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। दाऊद की बात अरमीना ने आधे में काटी। आपको किसने बनाया मेरा गार्डियन? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा सब समझती हूँ, और ना मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। आई मेरी बात समझ, आइंदा मुझ पर ऐसे रो मत जमाइएगा। अपनी बात पूरी करके गुस्से से भागती हुई ऊपर चली गई, जबकि दाऊद वहाँ खड़ा रहा। जी बदतमीज लड़की है, इससे तो बात करना ही फजूल है। दाऊद प्लेट में और पकौड़े डालने लगा, वैसे पकौड़े अच्छे बनाती हैं। बदतमीज आया बड़ा मेरा सरबरा बनने, लानत भेजती हूँ मैं इस पर। तमीज छूकर नहीं गुजरी, चुपके चुपके खड़ा हमारी बातें सुन रहा था।
आज का दिन ही बुरा था, पहले वो हारिशा अब ये दाऊद, सारे अच्छे खासे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। अरमीना ने तकिया उठाकर नीचे फेंक दिया। आज सुबह सवेरे ही खुद इसकी आंख खुल गई थी, वरना हलीमा खाला इसे झंझोड़ कर जगाती थी। शायद रात को जल्दी सो गई थी, इसलिए अब वो खुद को बिल्कुल फ्रेश फील कर रही थी। उसने स्लीपर्स पैरों में पहने, बालों को जूड़े में कैद किया। अब उसके बाल कुछ लंबे हुए थे, पर अब भी जूड़े से लटे इधर उधर निकली हुई थी। वॉशरूम से चेहरे पर पानी के छींटे मारकर नीचे के पोर्शन में चली गई, जहाँ हलीमा खाला कुरान पाक की तलावत कर रही थी। अरमीना बचपन से हलीमा खाला की यही रूटीन देखती आ रही थी। सुबह सवेरे तलावत करती थी, किचन में गई नूरी को चाय का बोल कर लॉन में आके सुबह का मंजर आंखों को बहुत भला महसूस हो रहा था। सब कुछ सरसब्ज शादाब लग रहा था, गुलाब और मोती की खुशबू हर सू फैली हुई थी। अरमीना ने लंबी सांस खींचकर अपने अंदर वो खुशबू उतारी। इसी दौरान नूरी चाय ले आई, पैरों को स्लीपर्स की कैद से आजाद करके वो नरम नरम घास पर में चहल कदमी करती जा रही थी, साथ साथ चाय भी पीती जा रही थी। एक तरफ हलीमा खाला ने चिड़ियों का दाना रखा हुआ था, वहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ दाना चुग रही थी। परिंदों की चहचहाट कानों को बहुत भली महसूस हो रही थी। अरमीना को दादा की बात याद आई, जो कहते थे परिंदे सुबह सवेरे उठकर अपने रब की हमदो सना बयान करते हैं। बेख्तियार अरमीना के मुँह से भी निकला, सुबहान अल्लाह, दादा हर वक्त पढ़ते रहते थे। अरमीना को हर बात में दादा की याद आती थी। अपने बाप को तो उसने देखा तक नहीं था, वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। दादा ने उसे ज़िंदगी के हर रंग से आशना करवा दिया। एक एक चीज़ को देखकर उसे दादा की कोई ना कोई बात याद आ जाती थी। दादा की यादों में वो खो सी गई, बेख्तियार उसकी आंसू बहने लगे। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो जो सर झुकाए बेआवाज़ आंसू बहा रही थी, अपने नज़दीक अचानक से आवाज़ सुनकर चूक गई और दाऊद को खड़ा देखा, जो ट्रैक सूट पहने शायद बाहर से आया था। अरमीना ने एकदम से अपने आंसू साफ किए। कुछ नहीं, बस ऐसे ही दादा की याद आ गई थी। वो खाली मग उठाकर अंदर जाने लगी। जाने क्यों आज दाऊद को अरमीना के साथ हमदर्दी हो रही थी। इसके आगे पीछे भी कोई नहीं, ना माँ है, ना बाप, ना कोई सगा रिश्तेदार। मैंने भी अपने माँ बाप बचपन में खो दिए, पर मेरे दादा, मेरी खाला वकास, मैंने अपने सगे रिश्ते तो देखे। हाँ, पर दादा ने ऐसे सगों से भड़कर प्यार दिया था, इसकी वजह से अक्सर मुझसे भी नाइंसाफी कर जाते थे। पुरानी बातें याद आई तो एक बार फिर दाऊद का लहजा तलख हो गया। इसे याद था जब एक बार अरमीना ने उसका प्ले स्टेशन ख़राब कर दिया था। दाऊद को बहुत गुस्सा आया था, वो गुस्से का बचपन से तेज था। उसने अरमीना को बहुत डांटा, पर अरमीना ढीठ बनी फिर भी हंसती जा रही थी। और तब दाऊद ने उसे जोर का धिक्का दिया। अरमीना गिर गई और टेबल का कोना इसके सर पर लगा, जहाँ से बहुत खून बहने लगा। दादा फौरन उसे अस्पताल ले गए। अरमीना का खून बहता देखकर दाऊद बहुत डर गया था। शाम को दादा अरमीना को उठाए ला रहे थे, इसके सर पर सफ़ेद पट्टी बंधी थी। दाऊद भागकर दादा के पास आया तो दादा ने उससे बात नहीं की। अरमीना को अपने कमरे में लटा कर दादा बाहर आए तो दाऊद उनके करीब आया। सॉरी दादा जान, वो अभी दाऊद की बात पूरी नहीं हो पाई थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। दाऊद अपने गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से दादा की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से दुख और दर्द के मारे आंसू बह रहे थे। दाऊद, तुम ऐसी हरकत कर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। कितना खून बहा अरमीना का तुम्हें अंदाज़ा है। अगर इसे कुछ हो जाता तो दादा को इस कदर गुस्से में दाऊद ने कभी नहीं देखा था। पर दादा जान, उसने मेरा प्ले स्टेशन ख़राब किया तो ये तरीका है किसी को मारने का। खराब किया भी था तो मैं दूसरा लाकर देता। बहन है तुम्हारी छोटी, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है, आज तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। दाऊद, दादा जान गुस्से से चले गए। दाऊद अपने कमरे में आकर उसी रात बहुत रोया। पूरा हफ्ता दादा ने उससे बात नहीं की, हर वक्त अरमीना की ईमानदारी करते रहते थे। दाऊद को ऐसा लगता था कि अरमीना उसका मजाक उड़ा रही हो। देखो, तुम्हारे दादा अब मेरे हो गए हैं, ऐसे कई वाक्यों से उसका बचपन लड़कपन भरा पड़ा था। अरमीना और मिन्हा का आज यूनिवर्सिटी के बाद सीधा शॉपिंग पर जाने का प्रोग्राम था। अरमीना को जरूरत की जान चीज़ें लेनी थी और कपड़े चाहिए थे। वैसे तो वो हमेशा हलीमा खाला के साथ ही शॉपिंग पर जाती थी, पर अब खाला के घुटनों में दर्द रहने लगा था। वो ज़्यादा चल नहीं सकती थी, जबकि अरमीना शॉपिंग में बहुत वक्त लेती थी। इतनी आसानी से उसे कुछ पसंद नहीं आता था, इसलिए अरमीना खाला को बताकर आई थी कि वो मिन्हा के साथ शॉपिंग पर जाएगी। लाइट पिंक कुर्ते के साथ सफ़ेद पजामा पहने, वो पिंक दुपट्टे गले में डाले, आधे बालों को कैचर में कैद रखा रखा था। ड्रेस से मैच करता स्वेटर पहने वो मिन्हा के साथ जाने के लिए तैयार थी।
मिन्हा हमेशा की तरह जीन्स के साथ कुर्ती पहने दुपट्टे को हजाब के स्टाइल में सेट की हुई थी। मिन्हा हजाब लेती थी जो इससे बहुत सूट करता था। मिन्हा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। मिन्हा के दो भाई थे और एक छोटी बहन थी। इसके वालिद को बहुत शौक था उनके सारे बच्चे आला तलीम हासिल करें। यार कैसे जाएगी, मिन्हा ने पूछा। फ़ोन किया है ड्राइवर को, हमें छोड़ आएगा, अरमीना ने पर्स से कुछ ढूंढते हुए कहा। वैसे यार बारिश के भी इम्कान लग रहे हैं, जल्दी करो कहीं बारिश तेज़ ना हो जाए, इतना डर क्यों रही हो, 3 दिन से ऐसा मौसम है, बारिश बस बूंदाबांदी तक ही महदूद है, अरमीना ने उसे तसल्ली दी। तभी अरमीना को अपनी गाड़ी नजर आई, मिन्हा का हाथ थामे वो गाड़ी तक आई। फिर देर तक वो मुख्तलिफ दुकानों पर फिरते रहे, वक्त का पता नहीं चला। यार कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। नहीं अरमीना चलो, बारिश तेज़ होती जा रही है, ऐसा ना हो फंस जाए। मिन्हा डर रही थी, उसे हमेशा से बारिश से और ऐसे मौसम से खौफ आता था। अरे यार डर क्यों रही हो, शहर में है, वीराने में नहीं है, अभी फ़ोन करूंगी, 10 मिनट में गाड़ी पहुंच जाएगी। अरमीना ने उसका हाथ पकड़ के उसे हौसला दिया और खाने के लिए ऑर्डर करने से पहले घर फ़ोन करके गाड़ी का कह दिया। अरमीना मज़े लेकर जिंगर बर्गर खा रही थी। साथ साथ मिन्हा को ऐसे देख कर लुत्फानंदोज़ हो रही थी जो बेदिली से खा रही थी। साथ साथ रेस्टोरेंट के ग्लास डोर से बारिश का अंदाज़ा भी करती जा रही थी जो अब बाकी काफ़ी तेज़ हो गई थी। शाम होने से पहले रात का गुमान होने लगा। 7 गाड़ियों की हेडलाइट जल रही थी जब वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर वहाँ रेस्टोरेंट के शेड के नीचे खड़े गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, और 10 मिनट की बजाय आधा घंटा हो गया इन्हें वहाँ खड़े खड़े, पर गाड़ी नहीं आई। अरमीना ने अपना मोबाइल उठाया और ड्राइवर को फ़ोन करना चाहा, भी रिंग जा ही रही थी कि मोबाइल ऑफ हो गया। कोई कैब भी नज़र नहीं आ रही थी। जहाँ हाँ मिन्हा की हालत गैर होती जा रही थी, वहाँ अरमीना के चेहरे पर भी अब खौफ के साए नज़र आ रहे थे क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मोबाइल ऑफ हो गया, अरमीना ने परेशानी से मोबाइल मिन्हा को दिखाते हुए कहा, अब क्या होगा, बहुत देर हो गई, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मिन्हा की आंखों में आंसू जगमगाने लगे। आ जाएगा ड्राइवर, पर अब हम यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते, इसी जगह का पता दिया था ड्राइवर को। अब मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया है, ना मुझे किसी के फ़ोन नंबर याद रहते हैं। वहाँ खड़े खड़े तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। बारिश उसी रफ्तार से रवा दवा थी। शॉपिंग बैग उठाए खड़े खड़े उनकी टांगे शैल हो गई थी। रेस्टोरेंट भी अब बिल्कुल खाली हो गया था, इसलिए वो डर के मारे अंदर भी नहीं गई। लोगों की नज़रों से दोनों को खौफ आ रहा था। तभी अरमीना को दाऊद की गाड़ी नजर आई तो इसकी जान में जान आई। दाऊद जो इसे हमेशा आफात मुसीबत लगता था, आज किसी रहमत के फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। दाऊद के इशारे पर मिन्हा का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठकर दोनों लड़कियों ने सुकून का सांस ली। ऐसा लग रहा था अब वो महफूज हाथों में पहुंच गई हों। क्या जरूरत ही थी तेज बारिश में घर से निकलने की। ड्राइवर गाड़ी ला रहा था तो उसकी गाड़ी रस्ते में खराब हो गई। वकास ने मुझे फ़ोन किया कि तुमको लेता आऊं। दाऊद मिन्हा की वजह से खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। जब हम निकले थे तो बारिश नहीं हो रही थी उस वक्त, और मिन्हा को पहले उसके घर छोड़ दें। दाऊद ने बैक मिरर से खूनखवार नज़रों से अरमीना को देखा जो उन नज़रों का मफहूम समझ गई थी, मैं ड्राइवर हूँ तुम्हारा। पर आज अरमीना को दाऊद की बातें बुरी नहीं लग रही थी। आपका घर तो काफ़ी दूर है, आप ऐसा करें कि अभी हमारे घर चले, बारिश रुक जाती है तो ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। दाऊद की बात पर मीना ने भी मिन्हा को यही कहा तो मिन्हा राजी हो गई। घर पहुंचकर मिन्हा अरमीना को सीधा अपने रूम में ले गई। गाड़ी तक आते आते उनके कपड़े काफी भीग चुके थे। अरमीना ने मिन्हा को अपना जोड़ा पहनने के लिए दिया और मिन्हा को किचन में लेकर आ गई। बैठो तुम यहाँ, मैं अच्छी से चाय बनाती हूँ, एक तो सर्दी की बारिश है, चाय की सख्त तलब महसूस हो रही है। चाय का पानी चढ़ाकर अरमीना को याद आया, तुम यहाँ बैठो, मैं मोबाइल चार्ज पर लगाकर अभी आई। अरमीना भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी। मिन्हा उठकर चाय देखने लगी, तभी पीछे से आवाज़ आई, कर आई सैर सपाटे, इतनी तेज़ बारिश में जानती भी हो, मौसम ख़राब हो रहा है तो ज़रूरत क्या थी ऐसे मौसम में बाहर निकलने की। वकास अपनी धुन में बोलता जा रहा था। क्या बात है, वकास ने पीछे देखा जहाँ अरमीना खड़ी थी। वकास हक्का बक्का हो गया और हाथ से इशारा करने लगा, तुम यहाँ तो फिर ये कौन। तभी मिन्हा पलटी, वकास ने उससे देखा तो देखता रह गया, घबराई परेशान सी। मिन्हा सर झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ती जा रही थी, ये मेरी दोस्त है मिन्हा, और मिन्हा ये है वकास, और मीना ने तारुफ करवाया। मिन्हा इससे पहले भी दो बार अरमीना के घर आ चुकी थी, पर इतफाक ही रहा कि वकास और मिन्हा की पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। मिन्हा ने सलाम किया तो वकास चूक गया, वालेकुम सलाम, सॉरी, दरअसल मैं समझा कि अरमीना है। कोई बात नहीं, मिन्हा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, मिन्हा ने मुस्कुराकर कहा। वकास एक पलकों से देखता रह गया, फिर वहाँ
से निकल गया। ऐसा नहीं था कि वकास ने कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, एक से बढ़कर एक लड़की देखी थी वकास ने। पर कभी ऐसा होता है ना कि आप सारी जिंदगी अपने दिल और दिमाग में एक खास खाका बना कर रखते हैं, फिर ऐसा अचानक आपके आंखों के सामने वो ख्याली खाका जिस मुजस्म होकर आ जाए, तो ऐसे ही इंसान चूक जाता है। वकास के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हो गया था। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें जिनको हया से नीचे की हुई थी हजाब में कैद, प्यारा सा चेहरा इसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अभी थोड़ी देर ना गुजरी थी कि अरमीना वकास के पास आई। वकास, मिन्हा को घर जाना है। हाँ तो भेज दो ड्राइवर के साथ, इसमें पूछने की कौन सी बात है, वकास ने मुस्कुरा कर कहा। यही तो मसला है, वो ड्राइवर के साथ अकेली नहीं जाना चाहती। तो फिर वकास ने कंधे ऊपर किए, तुम ले जाओ ना, मतलब ड्राइवर के साथ अकेली नहीं जाएगी मगर मेरे साथ जाएगी, ये क्या बात हुई। वकास ने बात आधे में काट दी। बात तो पूरी सुन लिया करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी उसे घर छोड़ने। अब उठो, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, दाऊद से तो उम्मीद है नहीं, ले देख कर एक तुम बचे हो। उठो अब मिन्हा, सुनना ले, बहुत एहसास है, तुम चलो मैं आता हूँ। और वैसे लड़कियों को एहसास होना चाहिए, तुम्हारी तरह खून खुआर नहीं है। वकास ने उससे सर पर चीत मारी, मैं तुम्हें खून खुआर नजर आती हूँ। अमीना ने गुस्से से कमर पर हाथ टिकाते लड़का औरतों की तरह देखा, नहीं तुम तो शेर ख्वार हो, जाओ अब तुम्हारी दोस्त तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरमीना मिन्हा के पास चलेगी। वकास को मिन्हा की ये बात बहुत अच्छी लगी। वो किसी गैर मर्द के साथ अकेले जाने से कतराती थी। दिल ही दिल में हर मर्द को ऐसी मजबूत किरदार की शरीफ लड़की की ख्वाहिश होती है। वकास भी इन्हीं मर्दों में से था। सारे रास्ते अरमीना मुसलसल बोलती जा रही थी, जबकि मिन्हा वकास की वजह से चुप चुप थी और कुछ बोलती तो हल्की आवाज के साथ। खाला विकी कहाँ है? हलीमा खाला जो अभी आकर लाउंज में बैठी थी कि दाऊद भी आ गया। बेटा, वो अरमीना की दोस्त आई थी ना, उसे छोड़ने गए हैं घर। अच्छा, वैसे खाला शाबाश है विकी को जो अरमीना की ड्राइवरी सर अंजाम देता है। मुझे तो एक दिन में ही बिजारी होने लगी। दाऊद ने टीवी का रिमोट उठाकर ऑन कर दिया। अच्छा है ना बेटा, अभी से आदत हो जाए, मुस्तकबिल में मसला नहीं होगा विकी को, खाला ने हंसकर कहा। क्या मतलब खाला, मैं समझा नहीं, दाऊद ने टीवी की आवाज़ कम करते हुए कहा। बेटा, मैं चाहती हूँ वकास अरमीना का मुस्तकिल ड्राइवर बन जाए, मेरा मतलब है वकास और अरमीना की शादी हो। खाला बहुत खुश होकर बताने लगी। क्या, वकास और अरमीना शादी? दाऊद हैरान हो गया। हाँ बेटा, और अरमीना की शादी की उम्र हो गई है, वकास ने भी कभी ना कभी तो शादी करनी है। सच कहूँ तो मैंने अरमीना को माँ बनकर पाला है। हाँ मैं डरती हूँ, जाने कैसे लोग मिले उसे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि दोनों की शादी हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? खाला अब दाऊद के चेहरे की तरफ देख रही थी। ये बात आपसे वकास ने कही या फिर अरमीना? दाऊद बज़ाहिर टीवी की तरफ देख रहा था और दांतों से अपना निचला होंठ काट रहा था। नहीं बेटा, उन दोनों को तो पता नहीं, मैं बस तुमसे मशवरा चाहती थी। वकास ने जो घर लिया है, वकास की शादी के बाद हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। खाला दाऊद को सफाई दे रही थी, कहीं दाऊद और अरमीना की हमेशा साथ रहने की वजह से गुस्सा ना करें। तभी वकास और अरमीना किसी बात पर जोर जोर से हंसते हुए अंदर दाखिल हो गए। दाऊद दोनों को नागवारी से देखता जा रहा था। दाऊद को देखकर अरमीना की हंसी को ब्रेक लग गई। माशाल्लाह, देखो ना कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है, खाला ने सरगोशी के अंदाज में दाऊद को कहा। ये क्या सरगोशियां हो रही हैं खाला, भांजे के बीच वकास ने गाड़ी की चाबी टेबल पर रखते हुए कहा। कुछ खास नहीं, दाऊद फोन पर कोई नंबर डायल करता बहाने से उठकर चला गया। लॉन में आकर वो देर तक टहलता रहा, अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुई थी। ट्राउजर की जेब से सिगर लाइटर निकालकर सिगर जलाकर पीने लगा। अरमीना की शादी वकास के साथ, खाला ऐसे कैसे सो सकती है, क्या पता ये वकास ने कहा हो खाला से। और फिर अरमीना की ख्वाहिश हो, दफा करो जिसके साथ भी शादी हो, मुझे इससे क्या। उसके जहन में अजीब सवाल जवाब गर्दिश कर रहे थे। सर्दी ज़्यादा महसूस होने लगी तो अंदर की जाने बढ़ा, क्योंकि उसने कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना हुआ था। अपने कमरे में जाने की बजाय जाने क्यों, खुद ब खुद कदम उसकी ऊपर के पोर्शन की तरफ बढ़ते गए। लॉन्च में दाखिल हुआ तो टेरेस का दरवाज़ा खुला हुआ था। इतनी सर्दी में ये दरवाज़ा किसने खोल दिया? उसने लाउंज में मौजूद बड़ी सी घड़ी पर नज़र दौड़ाई जो रात के 11 बजा रही थी। जो ही वो टेरेस का दरवाज़ा बंद करने के लिए आगे बढ़ा, वहाँ अरमीना को खड़ा पाया जो चाय का बड़ा सा मग थामे खड़ी थी। अरमीना ने कदमों की आहट पर मुड़कर देखा तो वहाँ दाऊद खड़ा पाया। इतनी सख्त सर्दी में बगैर स्वेटर और शाल के खड़ी हो, बीमार हो जाएगी, अंदर आओ। दाऊद की इस नरम लहजे पर अरमीना हैरान रह गई। इसने दाऊद का ये रवैया तो कभी नहीं देखा था, जिसमें फिक्र थी, केयर थी। अरमीना भी बगैर किसी बहस के अंदर आ गई। कैसे जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? दाऊद के सवाल पर अरमीना एक बार फिर हैरान होकर से देखने लगी। अच्छी जा रही है अरमीना, मग खाली कर चुकी थी।
अब उसे किचन में रखने जा रही थी। ऊपर के पोर्शन में भी किचन था पर उसमें ज्यादातर चाय के सिवा कुछ नहीं बनता था, किचन नीचे वाला ही इस्तेमाल होता था। नूरी सारा दिन किचन संभाल लेती थी। अरमीना की पढ़ाई थी और खाला घुटनों के दर्द की वजह से ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती थी और इतने नौकर चाकरों के होते हुए दाऊद खाला को कोई काम नहीं करने देता था। अरमीना, आई एम सॉरी, दाऊद की आवाज़ पर अरमीना एक झटके से पलटी और आंखें फाड़कर दाऊद को देखने लगी। आप ठीक तो हैं? अरमीना के मुंह से बेख्तियार निकल गया, हाँ मैं ठीक, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे अपने तमाम सापकार रवैयों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ, दाऊद ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं, आप ठीक नहीं लग रहे मुझे, मैं अभी खाला को बुलाती हूँ। अरमीना ने तेज़ी से एक कदम बढ़ाया ही था कि दाऊद ने इसका हाथ पकड़ के से अपनी तरफ खींच लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मज़ीद शर्मिंदा मत करो अरमीना, दाऊद ने इसकी आंखों में देखकर ये बात की। अरमीना को लग रहा था वो अभी बेहोश हो जाएगी। दाऊद उसे पल पल चौंका रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं दाऊद को कोई बहुत बुरी बीमारी लग गई हो, जैसे कि कैंसर, और डॉक्टर ने कहा हो कि आपके पास वक्त कम है इसलिए वो मुझसे माफ़ी मांग रहा है। अरमीना दाऊद की शक्ल की तरफ देखते जा रही थी और दिल में सोचते जा रही थी, ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी हो? जानता हूँ तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा पर मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। दाऊद की बात आधे में काट दी। क्या क्या कहा डॉक्टर ने? कितना वक्त है आपके पास? अरमीना का मुंह एक बार फिर फिसला था। क्या क्या कहा डॉक्टर? क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा, को काफ़ी खींच कर कहा गया, तो तुम समझती हो मुझे कुछ होने वाला है? हाँ तो ऐसा ही होता है फिल्मों में। एक बार फिर जबान को दांतों तले दबा लिया। उफ पागल लड़की, इसलिए कहता हूँ कम देखा करो फिल्में ड्रामे। दाऊद का दिल कर रहा था अपना सर पीट ले, अब मैं नहीं देखती फिल्में ड्रामे। हाँ अब तुम फेसबुक मोबाइल से टाइम मिले तो तुम देखो ना। अरमीना की बात पर दाऊद ने इसका हाथ छोड़ दिया। अरमीना को समझ नहीं आ रहा था अचानक दाऊद को हो क्या गया है। अब वो इसे डांटता भी नहीं था, गुस्सा भी नहीं करता था, उल्टा इसका लहजा नरम हो गया था। इसकी आंखें अजीब रंग लिए हुई थी जब वो अरमीना से बात करता था। अरमीना को ये सारी बातें बहुत परेशान कर रही थी। वकास, तुम्हें पता है खाला तुम्हारी और अरमीना की शादी का सोच रही है। ऑफिस में लंच करते हुए दाऊद ने वो बात क्या डाली जिसकी वजह से वो पिछले एक हफ्ते से परेशान था। हाँ जानता हूँ अम्मी ने बात की थी मुझसे मगर मैंने इनकार कर दिया। वकास खाना खाता जा रहा था और बोलता जा रहा था जबकि दाऊद की सारी तवज्जो उसकी बातों पर थी। इनकार कर दिया मगर क्यों? दाऊद तफसील से जानना चाहता था। यार तुम जानते तो हो अरमीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरे लिए वो बिल्कुल छोटी बहन जैसी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वकास की बात सुनकर दाऊद की सांस बहार हुई। दाऊद वो सोच विचार के बाद खाला के कमरे में आ गया। आओ बेटा आओ। खाला जो लिहाफ ऊपर देखकर लेटी थी एकदम बैठने लगी। दरअसल खाला मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। खाला पूरी तरह मतवज्जो थी। खाला वो आप उस दिन बकास और अरमीना के रिश्ते की बात कर रही थी ना? हाँ बेटा, वो बकास ने साफ जवाब दे दिया कि अरमीना मेरे लिए छोटी बहन जैसी है। मेरा दिल बहुत था कि अरमीना हमेशा मेरे पास रहे। खाला उदास लहजे में बोल रही थी। खाला, इसका दूसरा हल भी तो है, अरमीना हमेशा आपके पास रहेगी। दाऊद हिचकिचाते हुए बोला, क्या मतलब बेटा? मैं कुछ समझी नहीं। अगर अरमीना की शादी मुझसे हो जाती है तभी वो आपके पास ही रहेगी हमेशा के लिए। सॉरी। दाऊद ने मुस्कुराकर खाला के सर पर बम फोड़ा। खाला हक्का बक्का दाऊद को देखती जा रही थी। दाऊद बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम और अरमीना, मेरा मतलब तुम तो उसे पसंद नहीं करते हो, बचपन से तुम्हें इससे चिढ़ है। कहाँ तुम इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे और अब एकदम से शादी? बेटा ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। खाला, बचपन की बातें बचपन के साथ खत्म होगी और कौन सा मैं अभी से शादी की बात कर रहा हूँ? बस मैं ये चाहता हूँ आप अरमीना का रिश्ता मत ढूंढें। मैं नहीं चाहता उसका नाम किसी और के साथ लिया जाए। दाऊद अपनी बात खत्म करके उठ खड़ा हुआ। खाला को हैरान परेशान छोड़कर, यही तो मसला है बेटा, बचपन की बातें बचपन के साथ खत्म नहीं हुई। खाला दिल में सोचती रह गई। सारी रात खाला को दाऊद की बातें सोचकर नींद नहीं आई। वो सोच रही थी कि अरमीना का क्या रिएक्शन होगा। खाला ने अरमीना को बताया तो अरमीना चीख पड़ी, क्या बोल रही है खाला? आपका भांजा होश में तो है?
मैं सर फोड़ दूंगी इसका इसका अगर इसने सच में ऐसा सोचा भी तो। वैसे खाला मैं बता रही हूँ, इसके साथ कोई जहनी मसला है, अजीब बहकी बहकी बातें और हरकतें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नीम पागल हो गया हो। अरमीना कमरे में उधर उधर टहलती जा रही थी, परेशानी से उसकी जबान मजीद तेज चलने लगी थी। आप उसे किसी डॉक्टर को दिखाएं, बल्कि आने दो विक्की को। मैं उसे कहती हूँ, खुदारा चुप कर जाओ लड़की, मेरा दिमाग मजी मत खराब करो। पहले ही दाऊद कि इस काया पलट पर मैं हैरान हूँ। ऊपर से अब तुम्हारी बातें। खाला ने हाथ जोड़ दिए। अरमीना को कुछ ख्याल आया तो बाहर निकल गई, सीधा दाऊद के कमरे में गई और बगैर नोक किए धड़म से दरवाज़ा खोला। दाऊद जो को कोई किताब पढ़ रहा था अरमीना के धड़म से दरवाज़ा खोलने से डर गया। जब दरवाजे पर अरमीना को खड़ा देखा, जो गुस्से से लाल चेहरा लिए खड़ी थी, आओ अरमीना, तो तुमको पता चल गया, तभी इतने हक के साथ बगैर दरवाज़ा नो की आई हो। दाऊद के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। भाड़ में गया हक, मैं आपसे पूछती हूँ, ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं? सीधे मुंह आपने मुझसे कभी बात नहीं की। अब अचानक से आपको शादी का ख्याल आया, वो भी मुझसे जिससे सारी उम्र आपने नफरत की। अपनी तरफ उंगली से इशारा करके वो बोली, अच्छा तो तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? सीधे मुंह बात ना करने से या फिर शादी की बात करने से? शादी की बात पर। और आप ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें, अरमीना मर जाएगी पर आपसे शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरमीना का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दाऊद इसके बिल्कुल करीब आया। क्यों, क्या बुराई है मुझ में? अरमीना की आंखों में देखकर कहा। अरमीना इसकी लू देती आंखों में ज्यादा देर तक देख नहीं पाई और अपनी आंखें झुका ली। तुम्हारे ड्रामों फिल्मों और ड्रामों में भी तो यही होता है ना, एक रूड हीरो जो हर वक्त लड़की पर गुस्सा करता है, नफरत करता है, फिर अचानक उसे वही बेवकूफ़ लड़की अच्छी लगने लगती है। ऐसा ही होता है ना, ये मेरी ज़िंदगी है, कोई फिल्म या ड्रामा नहीं। और ना मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। अरमीना को जीव घबराहट हो रही थी। दाऊद इसके इतने करीब था कि उसे निकलने का रास्ता भी नहीं था। दाऊद के ओड में वो छुप गई थी। तभी उसने दाऊद के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे धिक्का देख कर रास्ते से हटाया। दाऊद इसे अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। अरमीना भागकर कमरे से निकली और अरमीना को अपने पीछे दाऊद का कहका सुनाई दिया। अपने कमरे में आकर देर तक वो अपने धड़कते दिल पर काबू करती रही। वाकई में हम लड़की इतनी बेवकूफ़ होती हैं, कोई एक नज़र भर कर देखे, दो जुमले प्यार के कहे, बस वहाँ ढेर हो जाती हैं। लेकिन मैं अरमीना फारूकी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं कि दाऊद जैसे अकड़ू शख्स की बातों पर एकदम से भरोसा कर लूँ। और ये मेरी ज़िंदगी है, यूं किसी के भी कहने से मैं इससे शादी तो नहीं कर सकती। वो सारी रात अपने दिल को मुख्तलिफ हीलों बहानों से बहलाती रही, पर जैसे ही आंख बंद करती, दाऊद उसे अपने बहुत करीब खड़ा महसूस होता। इसकी आंखें अरमीना को परेशान करने लगी। अरमीना फारूकी को ये पता नहीं था कि वो भी दाऊद फारूकी के सामने ढेर हो गई थी, क्योंकि वो भी तो एक लड़की थी, प्यार को तरसी हुई। वकास, तुम समझाओ अपने दोस्त को, मेरे बारे में ऐसे ख्याल भी ना लाए अपने दिल में, वरना अच्छा नहीं होगा। अब अरमीना वकास के पास अपना मुकदमा लेकर आई थी। यार बस भी करो, जान बख्श दो बेचारे दाऊद की। कब से खूनखवार बिल्ली बनी काट खाने को दौड़ रही हो। इस वक्त शाम हो रही थी, दोनों लॉन में पड़े चेयर्स पर बैठे बहस में मसरूफ थे। अब सर्दी का जोर भी होले होले टूटता जा रहा था। हद हो गई, सच सच कहते हैं सगे सगे होते हैं, मेरी बात को तो कोई अहमियत ही नहीं, हर कोई दाऊद की सैर ले रहा है। और मीना अब रो देने को थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। यार तू जज्बाती क्यों हो रही है? आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा, जो तुम्हारा फैसला होगा मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। तुम भी मेरी मदद करो, वकास ने शर्त रखी। कैसी शर्त? अरमीना ने मशकून नजरों से वकास को देखा। वो नहीं है तुम्हारी सहेली, क्या नाम था उसका? वकास ऐसे ही बन रहा था, वरना उसे नाम याद था। कौन? मिन्हा। हाँ वही, उसके बारे में मुझे जानना है, दाऊद ने सर खुजाते कहा। ओहो क्या बात है भाई, चक्कर क्या है? क्यों मिन्हा के बारे में जानना चाहते हैं आप? अरमीना अपना मसला भूलकर अब वकास के पीछे पड़ गई थी। चक्कर
चक्कर वक्कर कोई नहीं, बस अच्छी लगी मुझे इसलिए पूछ रहा। इसके उसकी मंगनी वगैरह तो नहीं हुई किसी से? वकास ने बगैर किसी लगी पटी के कहा, नहीं अभी तक तो नहीं हुई मंगनी, वैसे बहुत अच्छी है मीना। अरमीना खुश होकर बताने लगी, आ गया तुम्हारा हीरो। अरमीना वकास की तरफ मतवज्जो थी, वकास के कहने पर पीछे मुड़कर देखा तो दाऊद आ रहा था। हीरो नहीं विलन, अरमीना ने नूत से कहा। क्या बातें हो रही हैं? दाऊद ने चेयर पे बैठते हुए कहा। आपकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वकास ने आंखों से अरमीना की तरफ इशारा करके कहा। दाऊद ने अरमीना की तरफ देखा जो पिंक कलर के लिबास पहने हुए थी, बाल खुले हुए थे, बहुत निखरी निखरी लग रही थी। पिंक कलर अरमीना को बहुत सूट करता था, शायद इस बात का उसे अंदाजा था क्योंकि अक्सर वो यही कलर पहने हुए मिलती थी। दाऊद की निगाहें खुद पर महसूस हुई तो अरमीना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और एक पल को दोनों की आंखें मिली। दाऊद ने मुस्कुराकर देखा और अरमीना आंखें फेर कर वहां से चली गई। उफ, जब भी मैं इस शख्स को खरी खरी सुनाना चाहती हूँ, इसकी आंखें मुझे कंफ्यूज कर देती हैं, जानबूझकर अपनी आंखों से मुझे जिच करता है। आखिर चाहता क्या है ये शख्स? अरमीना जितना दाऊद से छुपती फिरती पर आजकल इतना ही सामने होता था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे काम धंधे छोड़कर घर बैठ गया हो। यूनिवर्सिटी से भी आजकल कोरोना वायरस की वजह से छुट्टियां चल रही थी, जिंदगी जैसे थम सी गई थी, बस घर पर ही रहना होता था, बाहर कहीं वो जाती नहीं थी। दोस्त भी इसकी बस एक मिन्हा थी, दाऊद की वजह से ज्यादातर वक्त वो अपने कमरे में गुजारती थी। इसे बोरियत और यकसानियत से तंग आकर इसने फिर से डायरी लिखना शुरू की। डायरी लिखना उसे बहुत पसंद था, वो अपने दिल की हर बात डायरी पर लिख दिया करती थी, या फिर ऐसी शायरी के जरिए लिखती थी जो उसके दिल की तर्जमानी करती थी, पर अरसे से वो लिख नहीं पा रही थी। आज भी उसने डायरी खोली, इस पर लिखना शुरू कर दिया। तेरे करीब आके मैं बड़ी उलझनों में हूँ, तेरे दोस्तों में हूँ कि तेरे दुश्मनों में हूँ, मुझसे गुरेज पा है तू, हर रास्ता बदल मैं संग रहा हूँ, तू सभी रास्तों में हो। इसने शायर लिखकर अपनी डायरी बंद कर दी और चेयर पर आंखें मौंद कर सर टका दिया। जाने क्यों वो दाऊद की तरफ खींचने लगी थी। दाऊद की वलहाना निगाहें उसे खुद पर मरकोज होती तो अब उसे दिल ही दिल में सब अच्छा लगता। दाऊद की सहरंगेज शख्सियत को वो इग्नोर नहीं कर पा रही थी। दाऊद ने आज भी उसका हाथ पकड़ कर उसे कहा था कि अरमीना, मैं चाहता हूँ तुम पिछली सारी बातें भूल जाओ, हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर अब भी यकीन नहीं तो आज से मैं तुम्हारी राह में कभी नहीं आऊंगा, हमारे रास्ते अलग अलग। ये बात कहते हुए दाऊद कितना दिल गिरफ्ता लग रहा था, कितना टूटा लहजा लग रहा था दाऊद का, जिसे देखकर मीना के दिल को कुछ हुआ। हाँ मैं अरबीना फारूकी ये करार करती हूँ कि मैं दाऊद फारूकी के आगे हार गई, मैं उसे इग्नोर करते करते थक गई। मैंने पहले भी कहा था उस शख्स से अगर मुझे नफरत ना होती तो जरूर मैं उसी से मोहब्बत करती। अब जब वो नफरत सो गई है तो मोहब्बत जाग गई है, अरमीना ने दिल में ही एतराफ़ किया था। हिम्मत करके यही बात वो दाऊद को बताने जा रही थी। वो बहुत खुश लग रही थी और वो जो अपने आप से जंग लड़ते लड़ते थक गई थी, अब फैसला दाऊद के हक में करके काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। अपना बड़ा सा सफ़ेद दुपट्टा संभालते मुस्कुराती हुई वो रात के 10 बजे दाऊद के कमरे के सिमर जा रही थी और दरवाज़ा नॉक करना चाहती थी कि आधे खुले दरवाजे से अंदर आती वकास की आवाज़ सुनकर अरमीना ने अपना हाथ खींच लिया। दाऊद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ, घर से लेकर ऑफिस हर जगह हम साथ होते हैं। मैं तुम्हारा चेहरा क्या, मैं तुम्हारी सोच भी पढ़ लेता हूँ, सच सच बताओ तुम अरमीना के साथ क्या गेम खेल रहे हो? अंदर से आती वकास की आवाज़ पर इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ कि मैं कोई गेम नहीं खेल रहा, अच्छी लगने लगी है अरमीना मुझे, मैं तुम्हारी इन बातों में यकीन नहीं करूंगा, मुझे सच बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वकास की गुस्से वाली आवाज़ गूंजी। हाँ तो सच यही है जो तुम समझ रहे हो, मैं गेम खेल रहा हूँ, इसके साथ मोहब्बत का ड्रामा रचा रहा था। दाऊद की बात सुनकर मीना ने खुद को गिरने से रोका और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। और मैं क्या करता, कल को और मीना किसी भी राह चलते हुए शख्स को मेरे सामने ला खड़ा करती कि मैं इससे शादी कर रही हूँ और जायदाद का मुतालबा करती। तुम जानते हो कि मुझे पैसे की लालच नहीं, दादा जान उसे जायदाद में से कुछ भी दे देते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दादा जान ने इस घर का आधा हिस्सा उसके नाम किया है। तुम जानते हो इस घर से मुझे कितनी उन्सियत है, इस घर में मेरी मेरी माँ बाप दादा दादी सबकी यादें हैं, मैं अपने सारे रिश्ते खो चुका हूँ, बस यादें बाकी रह गई हैं। मैं कैसे किसी सूरत अपना घर किसी गैर को नहीं दे सकता। अरमीना को लग रहा था कि कोई पहाड़ उसके सर पर गिरा हो, जिसका डर था, जो अंदेशे उसे थे
वो हकीकत का रूप लिए खड़े थे। वो वहीं से वापस पढ़ना चाहती थी पर पढ़ ना सकी। दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हुई। दाऊद और वकास दोनों उसे देखकर चूंगे थे। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात को गवाह थे कि वो सब सुन चुकी थी। अरमीना, दाऊद ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। अरमीना ने उसे धक्का देकर दूर हटाया। धोखेबाज ड्रामा रचाया, मोहब्बत का नाटक। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी जायदाद पर। अरमीना के मुंह से टूटे टूटे अल्फाज निकल रहे थे। इसकी रोने में शिद्दत आ गई थी। मीना संभालो खुद को, वो गिरने लगी थी। वकास ने उसे पकड़ लिया। वकी प्लीज मुझे किसी हॉस्टल छोड़ा, मैं एक पल भी इस घर में मजीद नहीं रुकना चाहती हूँ, मैं इस शख्स को देखना भी नहीं चाहती। अरमीना ने अपनी धुंधली आंखों से विक्की की तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए। वकास को और मीना पर बहुत तरस आ रहा था। अरमीना की हालत देखकर वो समझ गया कि दाऊद का नाटक रंग लाया था। अरमीना को पकड़े वो कमरे से बाहर ले गए, जबकि दाऊद ने गुस्से से कुर्सी को लात मारकर नीचे गिरा दिए। वो अपने बाल दोनों मुठ्ठियों में पकड़कर बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। वकास उसे साथ लिए कमरे तक लाया, अब उसे बेड पर बैठाया था और खुद नीचे बैठ गया। और मीना का हाथ पकड़ कर उसे तसली दे रहा था। मीना हौसला करो, रो मत प्लीज। वकास को मीना का बहुत दुख हो रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, इस हद तक गिर जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। पता है विकी मैं क्यों आई थी उसके कमरे में? मैं उससे इजहार करने आई थी कि मैं भी उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। पर इसकी बातें सुनकर मीना अब दोनों हाथ मुंह पर दिए फूट फूट कर रोने लगी। वकास से अरमीना की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे दाऊद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दाऊद और अरमीना के साथ उसका बचपन का साथ था, दोनों इसके लिए एक जैसे थे। अरमीना वकास को बहुत प्यारी थी, बहनों जैसी वो चाहता था। अरमीना हमेशा खुश रहे और आज दाऊद की वजह से अरमीना रो रही थी, टूट चुकी थी, हार चुकी थी, क्योंकि वकास समझ गया था कि अरमीना को दाऊद से मोहब्बत हो गई थी। उसका दिल कह रहा था कि दाऊद का गिरेबान पकड़े, पर दाऊद के और उसके दादा जान के एहसान उसके कदम रोक देते थे। बस वकास ने फैसला कर लिया था, वो अपनी अम्मी और अरमीना को लेकर अपने घर में शिफ्ट हो जाएगा और अरमीना को हॉस्टलों में धक्के खाते नहीं देख सकता था। ये तो तय था कि अरमीना अब इस घर में नहीं रह सकती थी और दाऊद के साथ। वकास ने बहुत मुश्किल से अरमीना को समझा बुझा कर नींद की गोली देकर सुला दिया था और हलीमा के पास गया। उन्हें सारे सूरत हाल बताई। बेटा, मेरे दिल में तो पहले दिन से ही वसवसे आ रहे थे कि दाऊद इतनी अचानक कैसे बदल सकता है। मुझे अरमीना का बहुत दुख हो रहा है, यतीम बच्ची बेचारी जाने क्या बीत रही होगी इस पर। अम्मी, इसलिए आया हूँ, आप प्लीज़ अरमीना के पास जाएं। अगले दिन अरमीना को बहुत तेज़ बुखार था। वकास उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था पर वो कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी कि कहीं दाऊद से सामना ना हो जाए। सारी उम्र इसकी दाऊद से छुप कर छुपाते ही गुजरी थी। हर बार अलग कोई बहाना होता था छुपने का, पर इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई थी। वकास ने डॉक्टर को घर बुला लिया, जो इसका दोस्त भी था। डॉक्टर ने अरमीना को दवाई दी और कहा कि अरमीना का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया है। वो दाऊद सारी रात कमरे में टहलता रहा। इस्तराब, दुख, शर्मिंदगी सब एक साथ उसे घेरे हुए थे। उसे अरमीना की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जाने रात के कौन से पहर इसकी आँख लग गई थी। जब इसकी आँख खुली तो दिन के 12 बज रहे थे। वो जैसे अपने कमरे से निकला, वकास को डॉक्टर वलीद के साथ ऊपर के पोर्शन से उतरते देखा। वकास डॉक्टर वलीद को बाहर तक छोड़कर आया तो दाऊद इसके करीब आया। क्या बात है वकास, सब खैरियत तो है? डॉक्टर क्यों आया था? खाला की तबीयत तो ठीक है? दाऊद परेशानी से पूछ रहा था। वकास ने उसे गौर से देखा। दाऊद के बिखरे बाल और लाल आंखें इस बात की गवाह थी कि वो भी रात भर सोया नहीं, वरना जब भी वो अपने कमरे से निकलता तो तैयार होकर निकलता था। अरमीना की तबीयत ठीक नहीं, वकास इतना सा जवाब देकर जाने लगा। विकी रुको तो सही, क्या हुआ अरमीना को? दाऊद ने परेशान लहजे में पूछा। तुम्हें इससे मतलब? वकास ने रुख मोड़ दिया। प्लीज़ विकी, बताओ तो सही, क्या हुआ है? अरमीना को शर्मिंदा लहजे में इसने पूछा। क्या हुआ? अब भी मुझसे पूछते हो? हुआ क्या है? अपने दिल से पूछो, वकास ने उस के सीने में ज़ोर से हाथ मार कर कहा। एक छोटी सी लड़की के जज्बों के साथ खेल कर उसे ट्रैप करके उसका दिल दुखा कर क्या मिला तुम्हें? उसने कभी तुमसे कोई मुतालबा किया? नहीं ना, फिर क्यों खुद से ही कुछ भी फ़र्ज कर लेते हो? वो लड़की तुम लोगों के एहसानों के तले बोझ तले दबी है, कभी भी वो तुमसे कुछ नहीं मांगती। मैं जानता हूँ उसे, मैं समझता हूँ उसे। अफसोस तुम नहीं समझ सके। अब अरमीना यहाँ एक दिन भी मजीद नहीं रहना चाहती। वो हॉस्टल में रहना चाहती है क्योंकि इसका और कोई नहीं। पर जब तक मैं जिंदा हूँ एक भाई होने का फ़र्ज निभाऊंगा। मैंने जो अपना घर लिया है हम आज ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। वकास गुस्से से बोलता जा रहा था जबकि दाऊद चुप शर्मिंदा सा खड़ा सब सुन रहा था। ऐसे तो मत करो वकास, मुझे अकेला छोड़कर जाओगे तुम सब? मैं ऐसा
मैं ऐसा ना करूं, और तुम चाहे जो भी करते फिरो, दादा ने वादा लिया था तुमसे अरमीना का ख्याल रखने का, कुछ याद है? दाऊद चुप रहा, कोई जवाब नहीं दे सका। वकास गुस्से से ऊपर चला गया, जबकि दाऊद सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। और शाम को वकास खाला अरमीना ये घर छोड़कर चले गए। वकास के घर में जो पहले से ही फुल फर्निश्ड था, जाने से पहले खाला उसके कमरे में आई थी, उससे गले मिलकर बहुत रोई। बेटा मैं तुम्हें कभी छोड़कर ना जाती, पर वकास से तुम उदास मत हो, मैं आती रहूंगी। करीब ही तो है घर। हलीमा खाला अपने इकलौते भांजे को नहीं छोड़ पा रही थी, जिन्होंने उसे बचपन से पाला पोसा था, पर बेटे के आगे बेबस थी। दाऊद अपने कमरे की खिड़की से बाहर, खिड़की से सबको जाते देख रहा था। रमीना अब भी वही सफ़ेद लिबास पहने हुई थी, पर इस बार उसका रंग भी उसे लिबास के सफ़ेद जैसा लग रहा था। उसके बाल भी बिखरे हुए थे, बुखार और नकाहत की वजह से सही से चल नहीं पा रही थी। खाला उसे पकड़े हुए थी। गाड़ी में बैठकर रमीना ने एक नज़र घर पर दौड़ाई। इसकी नज़र दाऊद के कमरे की खिड़की पर ठहर गई, जहाँ से दाऊद उन्हें ही देख रहा था, और इसी वक्त गाड़ी चल दी। दाऊद को रमीना की इस एक नज़र में क्या क्या नज़र नहीं आया, आंसू, शिकवे, शिकायत, दुख, बेबसी, बेवफाई। दाऊद ने आंखें बंद कर दी और लॉन में निकल आया। अब अपने इस आलीशान घर में वो अकेला था, जिस घर के लिए वो सब कुछ कर रहा था। अब वो घर था और दाऊद, लेकिन दाऊद को ये घर अभी से काट खाने को दौड़ रहा था। ऐसे दिन हफ्तों में तब्दील हो गए और हफ्ते महीनों में। वकास से ऑफिस में मुलाकात होती थी, खाला हर दूसरे दिन उसे मिलने आती थी, नहीं आई तो बस अरमीना। खाला से पता चला था कि उसने यूनिवर्सिटी भी जाना छोड़ दिया है। फिर वकास और खाला की मिन्नत समाज से वो फिर से यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। खाला की बदौलत दाऊद को अरमीना की हर पल की खबर मिल जाती थी, पर दाऊद ने उस दिन उसी दौरान अरमीना को एक बार भी नहीं देखा था। पछतावे उसे घेरे हुए थे। अब उसे एहसास हो गया था कि मोहब्बत का खेल खेलते खेलते वो अरमीना से सच में मोहब्बत करने लगा था। बात ये समझ आते आते देर हो गई थी। वो अब माफ़ी मांगता भी तो कैसे, अब मोहब्बत का दावा करता भी तो कैसे। उसके जहन में अपना बचपन, लड़कपन सब घूमता रहता था। कुछ अधूरे सवाल, उनके जवाब, कुछ यादें, कुछ टूटे फूटे जुमले जिनका मफहूम उससे जानना था। ऐसे कई चीज़ें उसे खींच कर दादा के कमरे में ले आई। दादा के कमरे का दरवाज़ा खोल कर कमरा साफ सुथरा था। ज़रूर नूरी हर रोज़ कमरे की सफाई करती थी। दाऊद ने दिल में सोचा, दादा का बिस्तर भी वैसे ही बना हुआ था, उनकी छड़ी बेड के पास पड़ी थी, उनकी दुआएं भी वैसे ही पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि दादा अभी उठकर कहेंगे कि नूरी वहीं दाऊद की चाय लाए, साहब चाय रख दो। नूरी जाने लगी थी कि दाऊद ने आवाज़ दी, नूरी ये दुआएं तुमने फेंकी नहीं, अब ये किस काम की हैं? दाऊद ने दुख से कहा, नहीं साहब, वो अरमीना बाजी ने फेंकने नहीं दिए, वो दादा साहब की किसी चीज़ को हार लगाने नहीं देती थी। इनके कमरे की सफाई भी खुद करती थी। नूरी की बात पर दाऊद हैरान रह गया। अब वो दादा जान के कमरे में कोई सुराग ढूंढ रहा था, कोई सिरा तो हाथ आता। आखिर दादा का अरमीना से रिश्ता क्या था? तभी इसकी नज़र सब्ज रंग की जिल्द वाली डायरी पर पड़ी। जब उसने डायरी का पहला पन्ना खोला तो हैरान रह गया, जहाँ लिखा था, दादो दाऊद मेरी जान, मुझे मालूम है तुम ज़रूर इस डायरी तक पहुँचोगे, कई सवालों के जवाब लेने। फिर दाऊद तेज़ी से सफ़े पढ़ने लगा। जूं जूं वो डायरी पढ़ता जा रहा था, उसे सदमा सा लगता जा रहा था। दाऊद मेरी जान, मुझे मालूम है तुम ज़रूर इस डायरी तक पहुँचोगे, कई सवालों के जवाब लेने। ये कहानी जो जो मैं तुम्हें तुमको सुनाने जा रहा हूँ, आज तक मैंने इस बात को राज रखा, किसी को नहीं बताया, क्योंकि एक मरते हुए शख्स से वादा लिया था कि सारी ज़िंदगी मैं इस बात को राज ही रखूँगा। चूँकि अब मुझे लग रहा है मेरा वक्त पूरा हो गया है, अब जब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, मेरे मरने के बाद वो वादा भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वादा मेरी सांसों के साथ जुड़ा था। इसलिए तुम्हें सब बता रहा हूँ ताकि जो पछतावे मुझे आज तक घेरे हुए हैं, उन पछतावों से तुम ना गुजरो। ये उन दिनों की बात है जब मेरे वालिद साहब अपना सब बेच बाज कर गांव छोड़कर शहर में हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए थे। अपने वालिद का मैं अकलौता बेटा ही था। मेरी अच्छी तालीम के लिए उन्होंने गांव से नाता तोड़ लिया, क्योंकि गांव में उनके कोई खास रिश्तेदार भी नहीं थे, क्योंकि मेरे वालिद भी अपने बाप के अकलौते थे। यूं बाबा साहब ने शहर में कारोबार शुरू किया, जिसमें बरकत हुई और फैलता गया। अब हमारा कारोबार काफ़ी जम गया था। मेरी शादी हो चुकी थी, मुझे 3 बच्चे थे, 1 बेटा और 2 बेटियां। अगर कभी गांव जाना पड़ता तो बाबा साहब खुद जाते थे। फिर बाबा बीमार हो गए और बिस्तर से लग गए। गाँव में अब भी हमारी कुछ ज़मीनें थी। बाबा के कहने पर मैं गाँव गया ताकि मैं इनको बेच सकूँ। इस सिलसिले में मेरा गाँव आना जाना ज़्यादा होने लगा। गाँव के स्कूल के हेडमास्टर बहुत अच्छे इंसान थे। किसी ज़माने में
मैं भी उनका शागिर्द रह चुका था। जब भी मैं जाता था, मास्टर साहब के घर रुकता था, इनके छत पर एक कमरा बना हुआ था, मैं वहीं ठहरता था। मास्टर साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी एक ही बेटी थी, बीवी भी फौत हो चुकी थी। मास्टर साहब की उम्र अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, पर उनको तब बहुत बड़ा सदमा लगा जब उनकी इकलौती बेटी सिदरा बेवा होकर उनके घर आकर बैठ गई। इनकी बेटी कम उम्र थी और गांव का माहौल भी कुछ खास अच्छा नहीं था। सिदरा से शादी के लिए तो कोई तैयार नहीं था, उसे मनहूस करार दे दिया गया था कि शादी के 2 साल बाद बेवा हो गई। पर अब सबकी नज़रें सिदरा के ताड़ में थी। मुझे मास्टर साहब का बहुत दुख होता था, पर मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। फिर ज़मीनों के मामला तय होने वाले ही थे कि मास्टर जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सिदरा रोती हुई मुझे बुलाने आई। जब मैं मास्टर जी के पास गया तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, खींच खींच कर सांस ले रहे थे। जब मैंने इन्हें डॉक्टर के पास से ले जाना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और मुझे हाथ जोड़ दिए कि मैं सिदरा से निकाह कर लूँ। मेरे बाद सिदरा का क्या होगा? सब इस ताड़ में बैठे हैं कि मैं मर जाऊंगा, और लोग मेरी बेटी को ऐसा कहकर वो रोने लगे। मास्टर जी मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा घर बिखर जाएगा, मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। मैं बहुत परेशान हो गया था मास्टर जी की बात पर। बेटा, सिदरा से तुम्हारे निकाह का किसी को पता नहीं चलेगा। तुम इसे अपने घर में नौकरानी बनाकर रखना, किसी को मत बताना कि सिदरा से तुम्हारा निकाह हुआ है। सिदरा से भी मैं वादा लूंगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। बस इसे सहारा दे दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। ये एक मरते हुए शख्स की इल्तिजा समझ लो। इनके हाथ अब तक जुड़े हुए थे, उनकी बेबसी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मौत उनकी दहलीज पर खड़ी थी, पर वो सुकून से मर भी नहीं सकते थे। गांव के लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता था। इसी माहौल की वजह से मेरे बाबा ने गांव छोड़ा था। ना चाहते हुए भी मैंने इस बात में सर हिला दिया। 4 गांवों के साथ मेरा निकाह सिदरा से हुआ। उधर मास्टर जी की आंखों से शुक्र के आंसू निकले और इधर ही उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। सिदरा के आगे पीछे कोई नहीं था, अब मैं ही उसका सब कुछ था। जमीनों का काम मुकम्मल करके सिदरा को लिए मैं अपने शहर आ गया। सिदरा को एक कमरे का फ्लैट किराए पर ले दिया और घर वालों से ये बात छुपाई। इधर बाबा भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। मैं हर रोज सिदरा के पास जाता था और अच्छे से इलाके मैंने सिदरा को छोटा सा घर लेकर दिया। मैं उसका ख्याल रखता था, अपना फर्ज अच्छे से निभाता था, क्योंकि मुझे खुदा को भी मुंह दिखाना था। सिदरा को बेटा हुआ, वो बहुत खुश थी। मैं चाहता था कि अब सिदरा के बारे में घर मैं सबको बताऊं, पर सिदरा ने मुझे कसम दे दी और सबको बताने से मना किया। वो कभी मुझसे कोई गिला नहीं करती थी। वो बहुत अच्छी औरत थी, हमेशा मेरे एहसानमंद रही। वक्त तेजी से गुजरता गया, सुफियान जवान हो गया। सिदरा को सुफियान की शादी की बहुत जल्दी थी। सुफियान की शादी हुई, शादी के 1 माह बाद ही सिदरा चुपचाप मुझे छोड़कर चली गई। शायद उसे इसलिए सुफियान की शादी की जल्दी थी। जाने से 1 दिन पहले भी मुझसे वादा लिया था कि मैं ये राज ही राज रखूँ। सुफियान को अच्छे से जॉब मिली तो वो अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर चला गया। सुफियान के घर बेटी की पैदाइश हुई, तब मैं उसे देखने गया, जिसका नाम मैंने ही अरमीना रखा। और अरमीना बहुत प्यारी थी, एकदम फूलों जैसी। हाँ दाऊद, अरमीना मेरी पोती है। जैसे तुम मेरे खून हो, वैसे ही अरमीना भी मेरे बेटे की निशानी है। मैं एक बहुत बदनसीब बाप साबित हुआ हूँ। एक नहीं, मैंने दो दो जवान बेटों की लाशों को कंधा दिया है। मेरे दोनों बेटे बिल्कुल कम उम्र लिखवा कर आए थे। तुम अगर मेरे तुम अगर मेरे फुरकान की निशानी हो तो अरमीना मेरे सुफियान की निशानी है। मुझे तुम दोनों से एक जितनी मोहब्बत है। आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, पर सुफियान ने डायरी बंद कर दी। सर टेबल से टका कर आंखें बंद कर दी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब जैसे एक ख्वाब सा लग रहा था। अरमीना को जो सारी जिंदगी इसने हकारत की नज़र से देखा था, अब उससे पता चला था कि वो उसकी कजन है, इसके चाचा की बेटी है, जिस दादा पर वो हक जता रहा था, अरमीना को नीचा दिखा रहा था। वो अरमीना के भी दादा थे। उसने टेबल से सर उठाया, उसकी आंखें नम थी, पर दुख सबसे बढ़कर ये था कि ये डायरी उससे पहले अरमीना पढ़ चुकी थी, पर उसने दाऊद को कुछ नहीं जताया। वो चाहती तो दाऊद को बहुत कुछ जता सकती थी, पर वो चुप रही। यही बात दाऊद को अपनी ही नजरों में गिरा रही थी, क्योंकि वो जान गया था कि अरमीना अपना आधे से ज्यादा वक्त
दादे के कमरे में गुजारती थी तो कैसे मुमकिन था उसने डायरी नहीं पढ़ी। वो डायरी बंद करके कमरे से निकल गया। उसका दम घुट रहा था अंदर, इसलिए बाहर निकल आया। बेमकसद सीढ़ियों सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। फिर एक जगह पर गाड़ी रोककर सिगरेट सुलगा कर पीने लगा। अरमीना से मिले हुए से 3 माह हो चुके थे। दोबारा वकास के घर भी गया था। लाशौरी तौर पर इधर उधर नजर दौड़ाता जाता ताकि अरमीना की एक झलक नजर आ जाए, पर अरमीना शायद उसके आने का सुनकर कहीं अंदर छुप जाती थी या बाहर चली जाती थी। तभी कुछ ख्याल आने पर उसने सिगरेट का आधा बचा हुआ टुकड़ा गाड़ी से बाहर फेंका। फ्रेश अप का रैपर खोलकर मुंह में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अगले 15 मिनट में इसकी गाड़ी वकास के घर के बाहर थी। गेट आधा खोला गया था, जिसे देखकर दाऊद को खुशी हुई। वो चाहता था कि बगैर बताए जाए ताकि अरमीना से सामना हो। जैसे ही लॉन्च का दरवाजा वाह करके वो अंदर दाखिल हुआ, खाने की टेबल में सब साथ बैठे खाना खा रहे थे। अरे दाऊद बेटा, अब बिस्मिल्लाह, इतने अरसे बाद आए हो, आओ ना खाना खाओ, खाला अपने धुन में बोलती जा रही थी। जबकि अरमीना दाऊद को ऐसे अचानक देख चूंकि दोनों की नजरें मिली, अरमीना ने सर झुकाकर फिर से खाने की तरफ मुतवज्जो हुई। जबकि वकास दोनों को देखता जा रहा था। जी खाला, बहुत भूख लग रही है, दिन को भी कुछ नहीं खाया, दाऊद ने खाला की तरफ देखकर कहा। इसने गौर से अरमीना की तरफ देखा। ब्लैक कलर के सादा से जोड़े में इसका रंग गोरा रंग धमक रहा था, पर चेहरे पर पहले से बेफिक्री, मुस्कुराहट और इत्मीनान नहीं था। बेदिली से चावलों में चमचा चलाती जा रही थी। दाऊद का दिल कर रहा था अरमीना के चेहरे से नजरें ना हटाए। कैसी हो अरमीना, दाऊद ने पूछा। अरमीना सर सर अरमीना ने सर नहीं उठाया। जी हूँ, अच्छी हूँ, कहकर उठने लगी। खाना तो खा कर जाओ, वकास ने अरमीना से कहा। नहीं, मैंने खा लिया है, संजीदा लहजे में कहा गया था। अच्छा, तो फिर अच्छी सी चाय तो बना कर दो, वकास ने मुस्कुरा कर कहा। तो अरमीना किचन की तरफ चल दी। दाऊद को भूख नहीं थी, इसकी भूख तो उड़ गई थी। खाला के इसरार पर थोड़ा सा खाया। अभी तुम कह रहे थे कि बहुत भूख लगी और खाया कुछ नहीं। खाला बर्तन समेटी जा रही थी। अरमीना ने चाय का पानी चढ़ा दी और वापस आकर खाला के साथ बर्तन समेटने लगी। इसी दौरान एक बार फिर इसने नजरें नहीं उठाई थी, जबकि दाऊद की आंखों की तपिश खुद पर महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद चाय टेबल पर रखकर अरमीना चली गई। दाऊद का दिल भी हर चीज़ से उचाट हो गया था। काम का बहाना बन करके वापसी की राह ली। अगले दिन छुट्टी के वक्त वो यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा था। अरमीना मिन्हा के साथ किसी बात पर हंसती हंसती जा रही थी। दाऊद पर नजर पड़ते ही उसकी हंसी रुक गई। दाऊद आगे आया। अरमीना आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, दाऊद ने कहा। नहीं शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊँगी, पॉइंट से अरमीना ने रुखा सा जवाब दिया। ब्लू कलर के स्टाइलिश ड्रेस में बालों की फ्रेंच चुटियां बनाई हुई थी। आगे से कुछ लटे हवा में इधर उधर उड़ रही थी। अब उसके बाल काफी बड़े हो गए थे, वरना तो हर वक्त कंधे पर चूरते थे। दाऊद ने दिल में सोचा। रूठी रूठी सी अरमीना दाऊद को अपने दिल के बहुत करीब महसूस हुई। उसका दिल कर रहा था उसका हाथ पकड़ कर अपने दिल पर रखे और उसे अपने दिल का हाल सुनाए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज रुको। अरमीना जाने लगी तो दाऊद उसके पीछे पीछे चलता हुआ आगे आकर खड़ा हुआ। देखिए यहाँ तमाशा मत बनाए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दे, पॉइंट निकल जाएगी तो जाने दो, मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम क्यों ऐसे ख्वार होती हो, वकास नहीं आता तुम्हें लेने। दाऊद ढीठ बना बात पर बात किए जा रहा था। वकास को और भी बहुत काम होते हैं, वो फारिग नहीं है। मैं खुद इसे मना किया था, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप करूँगा। कोई जरूर नहीं, अरमीना ने सख्त लहजे में कहा। दाऊद को इसकी कोई बात बुरी नहीं लग रही थी, जबकि अरमीना बाजार शक्ल बनाए हुए थी। दाऊद अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था और आगे जाती जाते लोग इनको ही देख रहे थे। ना चार अरमीना चलकर दाऊद की गाड़ी के करीब आकर खड़ी हो गई। जल्दी बोले, मुझे जाना है, नाराज हो प्यार से पूछा गया। नहीं, रुखा जवाब मिला। माफ नहीं करोगी मुझे, मां से पूछा गया। मैं कौन होती हूँ माफ करने ना करने वाली, ना आपको मेरी किसी बात से कोई फर्क पड़ना चाहिए, मिस्टर दाऊद फारूकी, अरमीना ने आंखों में आंखें डालकर कहा। इनकी आंखों में दाऊद को अपने लिए नफरत बेजारी ही नजर आई। तुमने दादा जान की डायरी पढ़ी, दाऊद ने सवाल किया। तुमने पढ़ ली, उल्टा सवाल पूछा गया। हाँ कल पढ़ा, मैं भी पढ़ चुकी थी, अरमीना ने इसी रूड तरीके से जवाब दिया। मुझे माफ़ कर दो अरमीना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, प्लीज़ तुम अपने घर में वापस आ जाओ, उस घर पर तुम्हारा उतना ही हक है, दाऊद की बात आधे में काट कर बोली। देखिए मिस्टर दाऊद, मेरा कोई घर नहीं, आपको मुबारक हो, आपका घर आपकी जायदाद, आप बेफिक्र हैं, मैं किसी चीज़ पर कोई हक नहीं जताऊँगी। अब जब आपको पता चल गया है कि मैं दादा जान की सगी पोती हूँ, तो आप नया गेम खेलने आए हैं ताकि मैं अपना हक ना मांग लूँ। आपसे मांगना होता तो बहुत पहले मांग लेती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब ले जाएं मुझे, बस मुझे सुकून से रहने दे, अरमीना गुस्से से बोलती गई, जबकि दाऊद मुजरिम की तरह खड़ा होकर सब चुपचाप सुनता गया।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज सर मीना, एक मौका तो दो माफी का। मैंने दादा जान की डायरी तो कल पढ़ी थी। मैं इससे बहुत पहले शर्मिंदा था। जब तुम चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं मोहब्बत का ड्रामा करके खुद ही इस ड्रामे का हिस्सा बन गया। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। वो बड़ा सा खूबरू मर्द एक छोटी सी लड़की के सामने सर झुकाए खड़ा था, वो जो हर किसी को लाजवाब कर देता था अपने दलीलों से, बहस से, मगर आज एक लड़की को कायल नहीं कर पा रहा था। अक्सर जाते जाते लोग इस खूबरू शख्स के उतरे हुए चेहरे पर एक नज़र डालते जाते थे। तुम यकीन मानो, मैंने इस वक्त भी जब तुमसे मोहब्बत का नाटक किया था तब भी मेरे जहन में यही था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और इस शादी को अच्छे से निभाऊंगा। धोखा तो मैं तुम्हें कभी नहीं देता अरमीना। ड्रामे देखने का ताना तो आप मुझे देते थे। ड्रामा क्वीन तो मैं थी ना, फिर आप कैसे? उसने तंज में डूबे तीर भी वो तीर दिए भी वो चुपचाप सह रहा था। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, जाने इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। अब मैं चलती हूँ, इसने अपने बैग को एक से दूसरे कंधे में डालते हुए कहा। और प्लीज आइंदा ऐसी कोई बात मुझसे मत कीजिएगा और आइंदा कोई ऐसी बात मुझसे मत कीजिएगा। मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत हो गई है। शादी मैं ज़रूर करूंगी, किसी न किसी से तो करनी है, पर आप वो शख्स हरगिज़ नहीं होंगे। ये बात मेरी जान लीजिएगा। गुस्से से चलती आगे बढ़ गई, जबकि दाऊद थका थका सा वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। स्टीयरिंग में सर टका कर आंखें मूंद ली। खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। रमीना, मैं अपनी जंग आखिर तक लड़ता रहूंगा जब तक तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाता। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा गुस्सा बनता है। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम चाह कर भी मुझसे नफरत नहीं कर पाई। दिल ही दिल में खुद से बातें करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। अरमीना ने टैक्सी पकड़ी, क्योंकि पॉइंट पहले ही जा चुका था। अपने एक क्लास फेलो के साथ वो टैक्सी में बैठी। उस लड़की का नाम सनम था। उसका घर भी अरमीना के घर के सामने ही था, लेकिन टैक्सी में बैठकर वो खिड़की से बाहर दिखती जा रही थी। टैक्सी में चलते हुए किसी इंडियन ड्रामे के बोल ऐसे लग रहा था जैसे इसके दिल की तर्जुमानी कर रहे हों। अरमीना ने चुपके से अपने आंसू साफ किए। क्या सोच रही हो बेटी, फिर कब चलें तुम्हारी दोस्त के घर? क्या नाम था उसका? मिन्हा, अरमीना ने पकौड़े खाते हुए कहा और वकास की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। हाय, मेरी तो ख्वाहिश थी। प्लीज खाला, प्लीज सम्मी, एक साथ तो वकास और अरमीना की आवाज़ निकली और दोनों ने हाथ जोड़ दिए हलीमा की तरफ। हद हो गई भाई, बात भी पूरी नहीं करने देते। खाला नाराज होकर उठ गई, जबकि वकास और अरमीना एक दूसरे की तरफ देख कर हंसने लगी। अम्मी बीना, वकास सर को जाते हुए बोला, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी वन साइड लव स्टोरी में विलन हरगिज नहीं बनूंगी। अरमीना मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि हलीमा खाला की बहुत ख्वाहिश थी कि वकास और अरमीना की शादी हो। अच्छा तो कब जा रहे हो, वकास ने पूछा। इतनी जल्दी क्या है, चले जाएंगे। अरमीना उसे चढ़ा रही थी। जल्दी है यार, ऐसा ना हो कोई और विलन आ जाए। नहीं आएगा कोई विलन, मिन्हा से और आंटी से मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। बस संडे को जाएंगे बकायदा रिश्ता डालने। अरमीना ने बड़ी औरतों के स्टाइल में रोब से कहा। बड़ी आई रिश्ते करवाने वाली आंटी, वकास उसके सर पर चित मारता हुआ उठ गया। अरमीना ने वकास के लिए दुआ की कि वो हमेशा खुश रहे। वकास जैसे इंसान कम ही होते हैं, इस कदर केयर करने वाले। मिन्हा बहुत खुश नसीब है, उसने दिल में सोचा। संडे को हलीमा खाला और अरमीना मिन्हा के घर गए, जो कि मिन्हा को और आंटी को पहले ही इस बात का पता था और आंटी ने अंकल को भी बता दिया था। वकास को रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं थी। और दूसरी बात, मिन्हा बहुत खुश लग रही थी, इसलिए वकास और मिन्हा का रिश्ता पक्का हो गया। हलीमा खाला ने मंगनी की बजाय सीधा शादी का कहा और ऐसे दो तीन मीटिंग्स और भी हुए, यूं शादी की तारीख तय हो गई। हलीमा और अरमीना को बहुत काम थे करने को, सारा सारा दिन शॉपिंग में गुजर जाता। या फिर अरमीना के हाथ में मोबाइल होता, खाला को चीज़ें दिखा दिखा कर ऑनलाइन मंगवाती। शॉपिंग की वजह से अरमीना घन चक्कर बनी हुई थी। अब दाऊद भी शाम को अक्सर आता शादी की तैयारियों के हवाले से। इसे वकास और खाला से बातचीत चलती रहती थी। अरमीना दाऊद को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए हुए थी और अपने काम में मगन होती। दाऊद को इसके रवैये से तकलीफ तो होती थी, पर यही बहुत था कि अब अरमीना दाऊद के सामने तो आती थी। और अरमीना ने सोचा कि दाऊद को खाला और दाऊद का खाला और वकास से रिश्ता है। खाला उससे बहुत मोहब्बत करती है, जब जी चाहे आए, मुझे इसके वजूद से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब। पर हकीकत यही थी कि अरमीना दाऊद को देखती तो उसके जख्म हरे हो जाते थे। शादी की तैयारियां जोरों शोर पर थी, यूनिवर्सिटी भी साथ साथ चलती जा रही थी। उस दिन अरमीना अकेली शॉपिंग पर गई हुई थी, उसे काफ़ी देर हो गई थी, वक़्त का पता नहीं चला था। उसे हारिश शाह अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। अब यूनिवर्सिटी में हारिश से अक्सर हाय हेलो हो जाती थी, कभी नोट्स वगैरह का तबादला भी हो जाता था। हाय अरमीना, कैसी हो? हारिस ने अपने चेहरे से चश्मा उतारते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरमीना बा मुश्किल शॉपिंग बैग्स को पकड़ते हुए बोली। अरे लाई, मैं गाड़ी तक ले जाता हूँ।
आप उठा नहीं पाएंगे इतना सामान, हारिस ने इसके हाथों से शॉपिंग बैग देते हुए कहा। नहीं मैं उठा लूंगी, दरअसल गाड़ी मुझे छोड़कर वापस चली गई थी, अभी फोन करूंगी घर। अरे चले मैं आपको घर तक ड्रॉप करता हूँ, मैं घर ही जा रहा था। नहीं मैं चली जाऊंगी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर चले मैं कुछ नहीं सुनने वाला सामान उठाता हूँ अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया ना चारा। रमीना को भी इसके साथ चलना पड़ा, सारे रास्ते हारिस बोलता रहा और रमीना हूँ हाँ मैं जवाब देती रही। गाड़ी घर के सामने आकर रुकी, हारिस ने शाह नीचे उतरा, बहुत बहुत शुक्रिया, अंदर आए ना चाय पिए। अरमीना ने मरवतन कहा, नहीं फिर कभी। अरमीना अपना सामान लेकर अंदर चली गई, जबकि टेरेस पर खड़े वकास और दाऊद परेशानी से कभी हारिस शाह को देखते तो कभी एक दूसरे को। ये हारिस शाह है ना, अब्बास शाह का बेटा, वकास ने दाऊद से कहा। हाँ वही खबीस है, पर ये अरमीना के साथ। दाऊद और वकास सब परेशान लग रहे थे, दोनों एक साथ नीचे आए जहाँ अरमीना सामान फैलाए खाला को देख रही थी। अभी तुम्हें हारिस ड्रॉप करके गया है ना अरमीना, हारिस शाह को तुम कैसे जानती हो? मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, पर तुम कैसे जानते हो? वकास की बात का आराम से जवाब दिया, एक नंबर का आवारा ऐश तबीयत जैसा, तबीयत जैसा बाप वैसा बेटा, तुम इसे से दूर रहो, अच्छा लड़का नहीं है ये, लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। दाऊद ने नफरत से कहा, क्योंकि वो इन बाप बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मुझे तो इतना बुरा नहीं लगता, काफी लोगों से अच्छा है, कम से कम धोखेबाज तो नहीं है। अरमीना ने तंजी अंदाज में होंठों को टेढ़ा करके कहा। दाऊद कुछ देर अरमीना के गुस्से से देखता रहा, फिर गुस्से से निकल गया, जाते जाते धर्म से दरवाजा बंद किया। अरमीना भी पैर भड़कती हुई अंदर चली गई। दाऊद का बस नहीं चल रहा था, हारिशा का गला दबा दे इसके घर की लड़की के साथ घूम रहा था। शायद अरमीना हारिस शाह का नया शिकार थी। दिन तेजी से गुजरते गए और मायों का फंक्शन भी आ गया। दाऊद की जिद पर ये फंक्शन दाऊद के घर में रखा गया था, सारे इंतजाम दाऊद ने खुद देखे थे, पूरे लोन को खूबसूरती से सजाया गया था, इतनी रोशनी थी कि रात में दिन का समा देती थी, फूलों और लाइटिंग से सारे घर को सजाया गया था। जो भी देखता मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकता था। अरमीना को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था उस घर में दोबारा दाखिल होने का, पर वकास और खाला बहुत खुश थे और उनकी खुशी खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप चली आई। जैसे ही अरमीना गाड़ी से उतरी, दाऊद उसे देखता रह गया, ग्रीन कलर के शरारे के साथ लंबे बाल को खोले जो नीचे से रोलर से रोल किए गए थे, कानों में बड़े झुमके आवेजा थे, दोनों कलाइयां शीशे की चूड़ियों से भरी हुई थी, नफासत के साथ मेकअप किया हुआ था, बहुत प्यारी लग रही थी। दाऊद का नजर हटाना मुश्किल हो गया था। शारे को हाथ में पकड़ते हुए वो खाला और वकास के साथ चलती हुई आ रही थी। फिर मेहमानों का ताना बाना बनता गया, मदम से म्यूजिक के साथ ठंडी हवा, सजे सजाए वजूद, हर तरफ हंसी की आवाजें, चूड़ियों की खनक, सब बहुत अच्छा लग रहा था। मेहमानों को अटेंड करती, खाला के बुलाने पर भागी भागी जाती, वकास के साथ छेड़छाड़ करती, मुस्कुराती। अरमीना खुद पर मुसलसल दाऊद की नजरें महसूस किए हुए थी, जो इसे अंदर ही अंदर से नर्वस कर रही थी। जब थक कर एक कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठकर अपना सैंडल निकालकर पैर को देख रही थी, शायद सैंडल ने पैर जख्मी कर दिया था। तभी दाऊद आकर उसके सामने बैठ गया। अरमीना ने एक नजर से देखा, अपनी नजरें अपने पैर पर डाली जो लाल हो रहा था। बहुत अच्छी लग रही हो, दाऊद के लहजे में बहुत कुछ था। अरमीना ने जवाब नहीं दिया था, कब तक सजा दोगी? माफी की कोई गुंजाइश नहीं, दाऊद ने ठंडी आह भरकर कहा। मैंने क्या सजा दी, मेरी क्या मजाल जो आपको सजा दूँ? अरमीना ने नजरें उठाकर उसे देखा, जो ब्लैक कुर्ते में गले में दुपट्टा डाले बहुत अच्छा लग रहा था। अरमीना ने फिर आंखें फेर ली। ये सजा नहीं, मेरे आने पर उठकर चले जाना, मुझसे बात ना करना, मुझसे नजरें ना मिलाना, मेरी बात का सीधे से मुंह जवाब ना देना। अरमीना मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, अकेले रहते रहते ये तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती है। एकदम अरमीना का हाथ पकड़ लिया, तुम्हें मेरी आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आती, मेरी मोहब्बत की सच्चाई नजर नहीं आती, क्या तुम्हें अब भी लगता है मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? वापस आ जाओ अपने अपने इस घर में अरमीना, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाथ छोड़े, मेरा किसी ने देख लिया तो तमाशा बनेगा। अरमीना मुसलसल हाथ छोड़ने की में मसरूफ थी, जबकि दाऊद की गिरफ्त मजबूत थी। देखने दो, छोड़ने के लिए तो पकड़ा नहीं, हाथ नहीं पकड़ा। अरमीना हाथ छुड़ाती हुई अंदर चली गई। माइयों का फंक्शन खैर से निपट गया था, रात देर हो गई थी, सब थके और फरूकी हाउस में ही अपने अपने कमरों में सोने चले गए, जहां कभी इनकी रहाइश हुआ करती थी। अरमीना काफी माह बाद अपने कमरे में आई थी, उसे अपने कमरे से बहुत उनसियत थी, बचपन से यही कमरा उसके जरिए इस्तेमाल रहा, बस इंटीरियर चेंज हुआ था, फर्नीचर चेंज हुआ था, पर कमरा यही था। जब वो जैसे ही कमरे को छोड़कर चली गई थी, कमरा बिल्कुल वैसे था। अरमीना ने वार्डरोब खोला, उसके सारे ड्रेसेस वैसे ही पड़े थे। उसने एक सादा सूट निकाला, आईने के सामने आकर थोड़ी देर खुद को देखती रही, फिर जूड़ी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखती जा रही थी। तभी इसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखी फाइल पर पड़ी। अरमीना जो चूड़ियाँ उतार रही थी, जल्दी से रखकर फाइल खोलकर देखा तो दंग रह गई। ये इस घर के कागजात है, पहले
जो अरमीना इस घर में बराबर की हिस्सेदार थी, अब सारा घर अरमीना के नाम कर दिया गया था। दाऊद ने अपना हिस्सा भी अरमीना के नाम कर दिया था। अब आप अपना हिस्सा मेरे नाम करके मुझे शायद यकीन दिलाना चाहते हैं अपनी सच्चाई का, अपनी मोहब्बत का। मैं जानती हूँ दाऊद कि आप शर्मिंदा हैं, आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। मोहब्बत करने वाले अपने महबूब की आंखों के हर रंग पहचान जाते हैं। मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ ली, पर तुमने मुझे तड़पाया है। थोड़ा तड़पना आपका भी तो बनता है। अरमीना सोचने लगी जब कल वकास ने उससे कहा कि अरमीना तुम मुझे बहुत प्यारी हो, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी मिले। अगर तुम किसी में इंटरेस्टेड हो तो बता दो, नहीं तो आज पहली बार मैं तुमसे बोल रहा हूँ। दाऊद बहुत शर्मिंदा है, वो तुमसे मोहब्बत करता है। ये तुमको दाऊद ने कहा? उसने तुम्हें अपना वकील बनाकर भेजा है ना? नहीं, मुझे दाऊद ने नहीं कहा, ना मैं उसका वकील बनकर आया हूँ। पर मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं तुम अब भी दाऊद से मोहब्बत करती हो, क्योंकि वो तुम्हारी पहली मोहब्बत है। लड़की अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। दाऊद तो अभी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, अब उससे तुम्हारी कदर है। तो क्यों तुम इस खामखा की जिद में अपना नुकसान कर रही हो? अगर तुम्हारी शादी दाऊद से होगी तो होगी, तब ही तुम खुश रह सकती हो, वरना ना कभी तुम खुश रह पाओगी ना दाऊद। सोचना इस बारे में। वकास अपनी बात मुकम्मल करके उठा और दूसरी तरफ दाऊद ने घर का अपना हिस्सा भी तुम्हारे नाम कर दिया है, और मेरी शादी अटेंड करने के बाद वो हमेशा के लिए कनाडा चला जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें नहीं मना सका। वो बहुत दिल बर्दश्ता हो गया है। दाऊद का हमारे सिवाय उस पूरी दुनिया में कोई नहीं है अरमीना। दाऊद तुम में अम्मी, हम चारों के चारों एक दूसरे के सहारे हैं। हम में से कोई अगर कोई भी दूर हो गया तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं दाऊद को नहीं खोना चाहता। अरमीना, वकास का लहजा भीग गया था और वह चला गया था। जबकि वकास की बात सुनकर मीना के दिल को कुछ हुआ। दाऊद को मैं भी नहीं खोना चाहती हूँ। वकास, तुमने सच कहा, लड़की अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। फाइल उठाकर द्रास में रखने लगी थी कि उससे एक पन्ना गिरा। अरमीना ने झुककर वो पन्ना उठाया जिस पर दाऊद की लिखाई में फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल लिखी थी। ये गज़ल आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, इतनी लंबी गज़ल लिखी है राइटर ने। दाऊद ने इस गज़ल में अपने जज्बों को बयान किया था। अरमीना ने फैसला कर लिया था कि अब वो चेंज करने के लिए करने के लिए जाने लगी। चेंज करके वो बाहर लॉन में आ गई जहाँ अभी भी लाइटें लगी थी, फूलों की लड़ियाँ झूल रही थी। सारा लॉन अब खाली खाली था। अरमीना को अजीब सुकून मिल रहा था। शायद वक्त पर सही फैसला करने से इंसान को ऐसे सुकून मिलता है। तभी दाऊद आता दिखाई दिया। अरमीना जानती थी दाऊद इस वक्त लॉन में जरूर आता है हल्की चहलकदमी करने के लिए। उसे अपने फिटनेस का बहुत ख्याल रहता है। दाऊद की नज़र अरमीना पर नहीं पड़ी थी। दाऊद ने सिगरेट सुलगाकर होंठों से लगाया ही था कि पीछे से अरमीना ने आवाज़ दी, आजकल ज़्यादा सिगरेट नहीं पीने लगे हो? अरमीना की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा। दाऊद ने सिगरेट फेंक दी और पैर के नीचे मसल दी। नहीं, बस कभी कभी तुम्हें घर के कागजात मिल गए? दाऊद ने संजीदगी से पूछा। हाँ, मिल तो गए, अरमीना ने बेनियाजी से अपने उड़ते हुए बालों को पीछे करते हुए कहा। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ ये मुल्क छोड़कर, दाऊद उसके साथ वो करते हुए बोला। अरमीना ने इसका जवाब पर दाऊद का दिल दुख किया। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे जाने से? दाऊद ने दुख से पूछा। नहीं, मुझे क्यों फ़र्क पड़ने लगा? तुम्हारी मर्जी है, अरमीना ने मुस्कुराकर कहा। बहुत खुश लग रही हो मेरे जाने का सुनकर, क्या खुश नहीं होना चाहिए उस शख्स के जाने से जिसने हमेशा मुझसे नफरत की, मुझे डराया, धमकाया, मुझे धोखा दिया? हाँ, वाकई में खुश होना चाहिए, मैं हूँ ही नफरत के काबिल। दाऊ ने फिर से सिगरेट निकाली और गुस्से से जाने लगा। कब कब की टिकट है? पीछे से अरमीना की आवाज़ आई। वकास के वलीमे के दूसरे दिन चला जाऊंगा, दाऊ ने जताने वाले अंदाज में कहा। फिर वापस जाने लगा। दूसरा टिकट भी करवा लीजिएगा, मुझे भी कनाडा देखने का बहुत शौक है, अरमीना की आवाज़ पर वो वहीं रुक गया। फिर थोड़ी देर के बाद पलटा तो अरमीना दोनों हाथ सीने पे बांधे मुस्कुराकर उसे देख रही थी। सच कह रही हो? अरमीना ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। दाऊद एकदम उसके करीब आया। सच बोल रही हो? हाँ तो बोला है। अब निकाह तो नहीं है कि मैं तीन बार सर हिलाऊं? अरमीना के मुंह से बेख्तियार निकल गया वो, और वो खुद ही शर्मिंदा हुई। दाऊद ने अरमीना का हाथ पकड़ लिया। कहो तो अभी मौलवी को बुलवा कर निकाह करवा दूं, अरेंजमेंट्स भी पहले से ही हुआ है। दाऊद की आंखें खुशी से चमक रही थी। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, अरमीना हाथ छुड़ाकर भाग गई। जबकि दाऊद खुशी से आसमान की तरफ देख रहा था कि इसकी दुआएं रंग ले आई थी। दाऊद ने खाला वकास को बताया, खाला बहुत खुश हुई। सच तो ये था कि खाला से भी दाऊद की परेशानी छुपी हुई नहीं थी और ना अरमीना का हाल छुपा हुआ था। खाला, वकास की बारात वाले दिन ही हमारा निकाह होगा, इससे पहले कि लड़की फिर मुकर जाए
जैसे तुम्हारी खुशी बेटा दाऊद खुशी से फूली नहीं समा रहा था, बीच में सिर्फ एक दिन था। वगास की शादी की सारी तैयारियां तो पहले ही मुकम्मल पहले से मुकम्मल थी। इसके साथ ही अरमीना और दाऊद का निकाह रख दिया गया था। सारा दिन अरमीना दाऊद के साथ घूमती रही अपने लिए निकाह का ड्रेस वगैरह लेने। दाऊद ने उसे अपने अपने पसंद का ड्रेस दिलवाया जो गोल्डन कलर का बहुत खूबसूरत लहंगा था जिस पर बहुत नफासत से काम किया गया था। सब्ज रंग के नगीने जुड़े हुए थे, मैचिंग ज्वेलरी जूते लेकर जब वो थक कर गाड़ी की समझ आई, क्या हुआ थक गई हो? दाऊद ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। हाँ बहुत थक गई हूँ, आप नहीं थके? अरमीना ने उसके हंसते मुस्कुराते फ्रेश चेहरे को देखा। नहीं मेरी थकन तो अब उतरी है। दाऊद ने मोहब्बत पाश नजरों से देखा। पहले कुछ खा लेते हैं, दाऊद ने कहा। नहीं दादो नहीं दाऊद घर चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। अरमीना ने अपना सर दबाते हुए कहा। अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। दाऊद ने मुस्कुराकर गाड़ी कहा और गाड़ी में म्यूजिक ऑन किया। वो लोग जैसे ही घर पहुंचे कुछ अजनबी औरतें बैठी नजर आई। अरमीना और दाऊद ने एक दूसरे की तरफ देखा जबकि खाला बेजार शक्ल बनाकर बैठी थी। आओ दाऊद अरमीना, ये है अरमीना और ये है दाऊद, कल इन दोनों का निकाह है। अभी ये लोग निकाह के सिलसिले में शॉपिंग करने गए हुए थे, खाला तफसील से बताने लगी। कौन है ये खाला? अरमीना ने वहीं खड़े हैरत से पूछा। बेटा मालूम नहीं कौन है, तुम्हारा रिश्ता लाए हैं। इतना समझाया मैंने कि कल तुम दोनों का निकाह है पर कुछ सुनती ही नहीं। खाला ने उसे बेजारी से जवाब दिया। कौन है आप लोग और किसका रिश्ता लाए हैं? दाऊद बिगड़े हुए तेवरों के साथ पूछा। हम हारिशा के घर वाले हैं, हारिशा ने हमें भेजा है रिश्ता लेने के लिए। ये लड़की उसके साथ पढ़ती है। अरमीना का मुंह खुले का खुला रह गया जब उसके इसके दाऊद का गुस्सा जबकि दाऊद का गुस्सा आसमान को छू रहा था। हारिशा को कहीं अरमीना और मेरा कल निकाह है और पहली अपनी दोनों बीवियों के हक तो अदा करे फिर तीसरी लाने की सोचे। दाऊद ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा। अब आप लोग जा सकते हैं, दाऊद ने इनको दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा। वो तीनों औरतें जो बन ठन कर आई थी अपनी ज्वेलरी की नुमाइश करने और अपने पैसा दिखाने बुरे बुरे मुंह बनाकर वापस चली गई। दाऊद वही सोफे पर बैठ गया, रमीना भी वही बैठ गई। दाऊद क्या वाकई हाल से शाह की दो दो शादियां हो चुकी हैं? अरमीना ने हैरत से पूछा। हाँ और तुमको अपनी तीसरी बीवी बनाने का ख्वाब देख रहा था, बहुत घटिया इंसान है। शुक्र करो कि तुम इसके चुंगल में नहीं फंसी। अरमीना दिल ही दिल में शुक्र करने लगी। अब वो थक चुकी थी इसलिए अपने कमरे का रुख किया। अगले दिन नई सुबह की शुरुआत थी। वकास और अरमीना और दाऊद तीनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे थे। तीनों बहुत खुश थे। खाला ने सुबह कोई कुरान खानी रखवाई थी, तीनों की नजरें तारी। शाम कर मीना और मिन्हा एक ही पार्लर में तैयार हुए। दोनों पर टूटकर रूप आया था। मिन्हा ने गोल्डन और मैरून कलर का लहंगा पहना हुआ था, बारी जुड़ी मेकअप के साथ सजी सजाई। मिन्हा वकास के दिल में उतर रही थी। मिन्हा वकास की पहली नज़र की मोहब्बत थी और वो बहुत खुश था अपनी मनचाही जीवन साथी पाने पर। मिन्हा की आंखें शर्मो हया के बोझ से झुकी हुई थी। दूसरी तरफ वकास भी ब्लैक थ्री पीस में मिन्हा के टक्कर का लग रहा था। गोल्डन कलर के भारी दुपट्टे से घूंघट में छुपे चेहरे के साथ सिमटी सी बैठी थी अरमीना। जब मौलवी साहब ने इजाब कबूल के अल्फाज किए तो मुबारक सलामत का शोर उठा। वकास दाऊद के गले लग गया और दाऊद और अरमीना को स्टेज पर एक साथ बैठाया गया तो चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। रात देर तक फंक्शन चलता रहा। मिन्हा रुखसत होकर सीधा वकास के घर गई तो अरमीना रुखसत होकर दाऊद के घर गई। हलीमा खाला बहुत खुश थी, इनके सारे बच्चे आज खुश लग रहे थे। हलीमा खाला ने शुक्राने के नफल अदा किए। दाऊद और अरमीना का हाथ पकड़कर घर के अंदर लाया। अरमीना भारी लहंगे को संभालती हुई आराम आराम से चल रही थी। दाऊद हाथ पकड़े हुए उसे कमरे में ले आया। आपको मेरा हाथ ऐसे पकड़कर चल रहे हैं जैसे मैं पहली बार इस घर में आ रही हूँ, अरमीना ने हंसते हुए कहा। इतनी मुश्किल से तो जाकर हाथ पकड़ने का मौका मिला है, खुशी भी तुम मुझसे छीनना चाहती हो? दाऊद ने नाराज लहजे में कहा। नहीं बाबा मत छोड़े हाथ, कौन कौन कमबख्त हाथ छोड़ना चाहता है। अब तो वैसे भी आपको सारी जिंदगी ये हाथ पकड़ना है, अरमीना नॉनस्टॉप बोलती जा रही थी। अरे आज तो थोड़ा ब्रेक मारो जबान को, नई नवेली दुल्हन हो थोड़ा शर्माओ, दाऊद ने शरारत से कहा। आपको तो अभी से मेरी जबान से मसला हो गया और मुझे शर्माना वरमाना नहीं आता, अरमीना ऐसा बोलते आगे बड़ी तभी झटके से दाऊद ने इसका हाथ पीछे से खींच कर इसे अपने करीब किया। अरमीना दाऊद के इतने करीब थी कि इसकी सांसों की गर्मी और परफ्यूम की महसूस खुशबू इसे मदहोश कर रही थी। दाऊद ने इसके चेहरे पर आई लट को पकड़ कर कर खींच खींचा तो अरमीना आंखें नहीं उठा सकी, इसकी पलके शर्म से लर्ज रही थी। अभी तो तुमने कहा तुम्हें शर्माना वाना नहीं आता, दाऊद ने इसका मजाक उड़ाया। दाऊद आप भी ना, अरमीना ने इतना ही कहा था कि दाऊद ने जोरदार कहका मारा। अरमीना दाऊद को धिक्का देकर दूसरे कमरे में भाग गई। आज इस घर में जानदार हंसी गूंज रही थी। अरमीना की चूड़ियों की खनक छोटी मोटी नोक जोक प्यार में डूबे अल्फाज आज लग रहा था इतने सालों बाद फारूकी हाउस में कोई खुलकर हंसा था। दूसरे दिन दाऊद और अरमीना ने वकास और मिन्हा को अपने घर इनवाइट किया, साथ साथ लंच किया, वहां देर तक बातें बैठे बातें करते रहे। दाऊद की नजरें
मुसलसल मीना को खुद पर महसूस हो रही थी, तो वहां वकास मीना से नजरें नहीं हटा पा रहा था। और मीना मीना का हाथ पकड़े से लॉन में ले गई। कैसा लगा वकास और मीना ने शरारत से कोनी मारी मीना को, तुम्हें कैसे लगे? दाऊद भाई मीना ने भी इसकी नकल उतार कर पूछा। बहुत अच्छे, अल्लाह ताला का जितना शुक्र करूँ उतना कम है, मैं भी अपने रब की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे वकास जैसा जीवन साथी मिला। मीना ने भी अपने दिल की बात अपने दोस्त को बताई। वकास हीरा है हीरा। और मीना ने प्यार से मीना को गले लगाते हुए कहा। टेरेस पर खड़े वकास और दाऊद ने ये मंजर देखा। दोनों के हाथ में चाय के मग थे। यार ये बुरा हुआ, हमारी बीवियां बेस्ट फ्रेंड है, ये ऐसे ही हमें अकेला छोड़कर खुद बातों में लग जाएंगी, दाऊद ने हंसकर कहा। हाँ भाई हाँ, अभी मैं जाकर इनको बता दूंगी, आज हमारा वलीमा भी है, तब इनको पाला जाने की फिक्र लग जाएगी। वकास की बात पर दाऊद ने कहका मारा। आवाज़ इतनी गूंजी थी कि नीचे खड़े अरमीना और मीना ने भी ऊपर देखा। तब दोनों ने अपनी बीवियों को हाथ लाए। आज आसमान भी खुश था, दो मोहब्बत करने वाली जोड़ियां एक हुई थी। तो कैसा लगा आपको ये नावल? बहुत ही अच्छा नावल था, मुझे तो बहुत पसंद आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह कि ये नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।